हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हाँ जी, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बढ़िया होंगे। चले जी, तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स। कंपनी अकाउंट्स में हमारा अगला चैप्टर है, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर। छोटा सा चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है, बड़ी आराम से आप लोगों को समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं जी इशू ऑफ डिबेंचर्स। आइए जी, तो हेडिंग डालिए इशू ऑफ डिबेंचर्स। सबसे पहली चीज सर, डिबेंचर क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर? आपने कई बार सुना होगा सर डिबेंचर टर्म, जैसे आप लोगों ने शेयर टर्म सुनी है वैसे आप लोगों ने डिबेंचर टर्म भी सुनी होगी कई बार। क्या होते हैं सर डिबेंचर? सोचो, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं सर, जैसे शेयर्स होते हैं पैसा उठाने का तरीका, वैसे ही कंपनी के लिए डिबेंचर भी क्या होता है सर? पैसा उठाने का तरीका। मतलब जैसे इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं हमारे पास सोर्स ऑफ फाइनेंस, ऐसे ही हमारे पास डिबेंचर्स होते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस। मतलब कंपनी पैसा रेज करने के लिए, फंड्स को रेज करने के लिए डिबेंचर्स भी इशू करती है। लेकिन फर्क क्या रहता है सर शेयर और डिबेंचर में, कि भाई डिबेंचर के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, डिबेंचर के जो फीचर्स होते हैं, वो एक तरीके से लोन की तरह होते हैं। हालांकि लिया तो सर पैसा, तो सर कंपनी ने फाइनेंस उठाया है, पैसा उठाया है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, लेकिन डिबेंचर का जो नेचर रहेगा वो क्या रहेगा? लोन की तरीके से रहेगा। अगर तो मैं बात करता हूं लोन की, तो उसके कुछ फीचर्स रहेंगे। तो पहले तो लिखो कि सर डिबेंचर क्या है। डिबेंचर इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर कंपनी हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोन मेड टू अ कंपनी। मतलब डिबेंचर भी एक तरीके से क्या होता है सर? सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। लेकिन जो डिबेंचर के फीचर्स होते हैं, डिबेंचर का जो नेचर होता है, वो एक तरीके से क्या होता है कि सर कंपनी ने लोन ले रखा है। ठीक, ओके। अब लिखो फीचर्स, कि डिबेंचर के फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स ऑफ डिबेंचर, अगर मैं बात करूं फीचर्स ऑफ डिबेंचर की, तो लिखो इट इज अ डॉक्यूमेंट विच एविडेंस अ लोन मेड टू अ कंपनी। मतलब डिबेंचर क्या सिग्निफाई करेगा? डिबेंचर सिग्निफाई करता है कि कंपनी ने लोन ले रखा है। डिबेंचर सिग्निफाई करता है कि कंपनी ने लोन ले रखा है किससे? सर जिसने मतलब जिसको डिबेंचर इशू हुए हैं, दैट इज डिबेंचर होल्डर्स। तो डिबेंचर होल्डर्स से कंपनी ने क्या कर रखा है सर? लोन ले रखा है। अगर तो लोन ले रखा है, तो इट कैरीज क्या होगा? फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इनका क्या होगा? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। भाई जैसे लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, वैसे डिबेंचर के ऊपर भी क्या होगा? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट इज पेड एट अ फिक्स्ड इंटरवल्स। कि सर जो इंटरेस्ट की पेमेंट होगी वो फिक्स इंटरवल्स पे होगी। मतलब हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली, वो कंपनी डिसाइड करेगी कि इंटरेस्ट कैसे कैसे पे करना है। मान लो कंपनी ने डिसाइड किया कि हम अपने डिबेंचर होल्डर्स को हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करेंगे, तो हर 30 सितंबर को और हर 31 मार्च को इंटरेस्ट पे होगा। कंपनी ने डिसाइड किया कि हम अपने डिबेंचर होल्डर्स को क्वार्टरली इंटरेस्ट पे करेंगे, तो हर 30 जून को, फिर 30 सितंबर को, फिर 31 दिसंबर को, फिर 31 मार्च को, ऐसे ऐसे इंटरेस्ट की पेमेंट होगी। कंपनी ने डिसाइड किया था कि हम हर साल इंटरेस्ट पे करेंगे, तो हर 31 मार्च को पेमेंट होगी, इफ माय फाइनेंशियल ईयर इज अप्रैल टू मार्च। ठीक, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि सर प्रॉफिट हो या ना हो, कंपनी के पास
प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन इंटरेस्ट तो कंपनी को प्रोवाइड करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो प्रोवाइड करके चलना पड़ेगा। डिविडेंड के केस में जो शेयर्स के ऊपर कंपनी डिविडेंड पे करती है, तो सर डिविडेंड तभी प्रोवाइड किया जाता है व्हेन कंपनी हैव प्रॉफिट्स, कि कंपनी के पास प्रॉफिट होंगे तभी डिविडेंड की सर प्रोविजन होता है, डिविडेंड की पेमेंट होती है। लेकिन इंटरेस्ट तो चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, कंपनी को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर प्रोवाइड करके चलना पड़ेगा। उसके बाद और आप कह सकते हो कि सर डिबेंचर मे बी चार्ज अगेंस्ट एसेट्स ऑफ द कंपनी, कि सर डिबेंचर में भी चार्ज अगेंस्ट एसेट्स ऑफ द कंपनी। चार्ज अगेंस्ट एसेट्स का मतलब क्या हुआ कि सर कंपनी चाहे तो अपने किसी भी एसेट को, कंपनी चाहे तो अपने एसेट को प्लेज कर सकती है फॉर द पर्पज ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर। मतलब मान लो कि कंपनी ने अपनी लैंडेड बिल्डिंग को प्लेज कर दिया और फिर डिबेंचर इशू करे, इसका मतलब कंपनी ने लैंडेड बिल्डिंग एज अ सिक्योरिटी रखा दी फॉर डिबेंचर्स। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर कल को लैंडेड बिल्डिंग बिकती है, कल को अगर लैंडेड बिल्डिंग बिकती है तो लैंडेड बिल्डिंग बेच के जो प्रोसीड्स आएंगी वो सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स को पे करी जाएंगी। दैट इज नोन एज चार्ज अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी। मतलब डिबेंचर के अगेंस्ट कंपनी चाहे तो अपने एसेट्स को मॉर्गेज करा सकती है, चार्ज करवा सकती है। और क्या फीचर्स हो सकते हैं, और जैसे सर शेयर वगैरह के केस में होता है तो डिबेंचर के केस में भी डिबेंचर कैन बी ट्रेडेड एट स्टॉक एक्सचेंज। सिंस डिबेंचर भी सिक्योरिटी होता है कंपनी का, जैसे कंपनी के लिए शेयर सिक्योरिटी होते हैं वैसे डिबेंचर भी सिक्योरिटी होता है, तो डिबेंचर भी कंपनी क्या करवा देती है, अपना स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करा देती है, और उसके बाद डिबेंचर को भी पर्सन लोग क्या कर सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे जाकर खरीद बेच सकते हैं। तो डिबेंचर की भी ट्रेडिंग अलाउड है ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक, तो ये होते हैं हमारे पास फीचर्स ऑफ डिबेंचर। आगे देखो, अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स कि डिबेंचर कितने तरीके के होते हैं, इसके लिए आपको कुछ बेस चाहिए, आपको कुछ बेस चाहिए। सबसे पहला बेस कि अगर तो मैं सिक्योरिटी के बेस पे डिवाइड करूं, अगर मैं सिक्योरिटी के बेस पे डिवाइड करूं तो मैं अपने डिबेंचर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, एज सिक्योर डिबेंचर और अनसिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर डिबेंचर एंड अनसिक्योर डिबेंचर, मैं यहां पर चार्ट बनवा देता हूं, बाकी आप अपनी बुक में से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको समझा देता हूं, सुनते रहो मेरी बातों को और ये चार्ट बना लो, बाकी आप अपनी बुक में से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। देखो, अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी के बेसिस पे, तो मैंने डिबेंचर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक होता है सिक्योर डिबेंचर और एक होता है अनसिक्योर डिबेंचर। सिक्योर डिबेंचर का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी अपने एसेट्स को सिक्योर्ड करा देती है अगेंस्ट द डिबेंचर्स, दैट इज नोन एज सिक्योर डिबेंचर। अब सिक्योर डिबेंचर में भी सर जो चार्ज होता है, सिक्योर मतलब चार्ज जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है फिक्स्ड चार्ज और एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। फर्क क्या है, फिक्स चार्ज का मतलब क्या होता है कि सर अगर मान लो कंपनी अपना कोई पर्टिकुलर एसेट सिक्योर करा रही है, मान लो कंपनी ने अपनी लैंड एंड बिल्डिंग सिक्योर करा दी अगेंस्ट डिबेंचर, दैट इज नोन एज फिक्स चार्ज। मतलब व्हेन अ स्पेसिफिक एसेट इज प्लेज्ड अगेंस्ट डिबेंचर, दैट इज नोन एज फिक्स चार्ज। मतलब होगा क्या सर, कल को अगर लैंड एंड बिल्डिंग बिकेगी तो सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट ऑफर करी जाएगी, जितने भी रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग बिकती है कंपनी की, तो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग की जो प्रोसीड्स होती है वो डिबेंचर होल्डर्स को पे ऑफ कर दी जाएगी, बिकॉज लैंड एंड बिल्डिंग इज स्पेसिफिकली चार्ज अगेंस्ट द डिबेंचर्स। ठीक, फ्लोटिंग चार्ज में क्या होता है, फ्लोटिंग चार्ज मीन्स कि सर ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी, सारे के सारे एसेट्स आर चार्ज अगेंस्ट द डिवेंचर, दैट इज नोन एज फ्लोटिंग चार्ज। व्हेन ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी आर चार्ज अगेंस्ट द डिवेंचर, दैट इज नोन एज फ्लोटिंग चार्ज। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि सर कल को अगर कंपनी का कोई भी एसेट बिकता है, कल को अगर कंपनी का कोई भी एसेट बिकता है तो सबसे पहले डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट ऑफ पैसा ऑफर किया जाएगा।
दैट इज नोन एज फ्लोटिंग चार्ज. समझे दोनों में फर्क. फिक्स चार्ज का मतलब व्हेन अ स्पेसिफिक एसेट इज प्लेज्ड अगेंस्ट डिबेंचर दैट इज नोन एज फिक्स चार्ज, और व्हेन ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी आर प्लेज्ड अगेंस्ट डिबेंचर दैट इज नोन एज फ्लोटिंग चार्ज. ठीक. और व्हेन नो एसेट इज प्लेज्ड अगेंस्ट द डिबेंचर, जब कोई भी एसेट को सिक्योर नहीं कराया, कोई भी एसेट को प्लेज नहीं कराया, दैट इज नोन एज अनसिक्योर्ड डिबेंचर. अनसिक्योर्ड डिबेंचर को आप नेकेड डिबेंचर्स भी बोलते हो, नेकेड डिबेंचर्स. ठीक. व्हेन नो असेट्स इज सिक्योर्ड अगेंस्ट डिबेंचर दैट इज नोन एज अनसिक्योर्ड डिबेंचर. सर अगर मैं चार्ज की बात करूं, तो चार्ज को रजिस्टर करवाना पड़ता है विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी. आप कंपनीज एक्ट में जरूर पढ़ोगे से कल को जाकर कि जो चार्ज होते हैं, चाहे वो फिक्स चार्ज हो चाहे वो फ्लोटिंग चार्ज हो, दे बोथ चार्जेस आर गेट रजिस्टर्ड विद द आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. बिना चार्ज की रजिस्ट्रेशन के चार्ज वैलिड नहीं माना जाता. ठीक. सिक्योरिटी के बेस पे हुआ. अगला आता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी. कन्वर्टिबिलिटी के बेसिस पे बात करूं तो माय डिबेंचर्स विल बी क्लासिफाइड एज कन्वर्टिबल डिबेंचर्स और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स. कन्वर्टिबल डिबेंचर्स एंड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स. कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है कि व्हेन डिबेंचर होल्डर्स हैव ऑप्शन टू कन्वर्ट देयर डिबेंचर्स इनटू शेयर्स ऑफ द कंपनी दैट इज नोन एज कन्वर्टिबल डिबेंचर. मतलब डिबेंचर होल्डर्स के पास क्या है सर, डिबेंचर होल्डर्स के पास ऑप्शन है, डिबेंचर होल्डर्स के पास ऑप्शन है कि वो अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट करा सकते हैं, ऑप्शन टू कन्वर्ट इनटू शेयर्स. ठीक. जैसे मैंने प्रेफरेंस शेयर में भी आपको पढ़वाया था कि सर एक कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, मतलब एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अपने अमाउंट को, अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी में कन्वर्ट करा सकते हैं. वैसा ही ऑप्शन कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स को भी देती है कि आप चाहो तो रिडेम्पशन के टाइम पे कंपनी से कैश ना लेकर अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा लो. सर क्या कोई भी कंपनी, क्या कोई भी डिबेंचर होल्डर ऐसा ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, क्या कोई भी पर्सन ऐसा ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा? बहुत सारे करते हैं सर, बहुत सारे करते हैं. मान लो सर कंपनी का शेयर बहुत अच्छा है, कंपनी के शेयर की वर्थ बहुत अच्छी है, तो सर ऑब्वियसली उसे शेयर लेने का फायदा है. पर्सन क्या कहेगा कि भैया कैश ना लेके मैं शेयर ले लेता हूं, जब मुझे पता है कि शेयर प्राइस अप जा रहा है, शेयर इज ग्रोइंग, तो बेटर यही रहेगा कि मैं पैसा ना लेके शेयर ले लूं, क्योंकि कल को फ्यूचर में जब वो ज्यादा अच्छा ग्रो कर जाएगा तो मुझे वहां से प्रॉफिट होगा. ठीक. तो वो डिपेंड करता है कि सर इन्वेस्टर क्या ऑप्शन चूज करता है. और नॉन कन्वर्टिबल में व्हेन देयर इज नो सच ऑप्शन, मतलब कोई कन्वर्टिबिलिटी नहीं है, सिर्फ क्या होगा सर रिडेम्पशन के टाइम पे डिबेंचर होल्डर को कैश मिलेगा, दैट इज नोन एज नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स. ठीक. उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंस. कन्वर्टिबिलिटी के बाद अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंस, परमानेंस के बेसिस पे आप अपने डिबेंचर्स को डिवाइड कर सकते हो एज रिडीमेबल डिबेंचर्स और एक होता है आपका इररिडीमेबल डिबेंचर्स. रिडीमेबल डिबेंचर्स एंड इररिडीमेबल डिबेंचर्स. रिडीमेबल और इररिडीमेबल में फर्क क्या है? सर रिडीमेबल का मतलब होता है कि व्हेन डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन एट अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. मान लो कंपनी ने डिबेंचर इशू करे और उसके साथ डिबेंचर्स की लाइफ लिख दी 10 साल, यानी कि 10 साल बाद डिबेंचर्स की क्या होनी है, रिडेम्पशन होनी है. कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा वापसी दे देगी, दैट इज नोन एज रिडीमेबल डिबेंचर. इररिडीमेबल का मतलब क्या होता है कि सर व्हेन देयर इज नो सच लाइफ इज मेंशन, मतलब कंपनी ने डिबेंचर इशू करे और साथ में कोई लाइफ नहीं लिखी कि भाई 10 साल 15 साल 20 साल, दैट इज नोन एज इररिडीमेबल डिबेंचर. तो सर क्या डिबेंचर होल्डर्स को अपना पैसा वापसी नहीं मिलेगा? मिलेगा पैसा वापसी, लेकिन एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, जब कंपनी बंद हो जाएगी, लिक्विडेट हो जाएगी, दैट इज नोन एज रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल. आई होप ये मतलब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे. एक बार बुक से इनको रीड जरूर कर लेना. ठीक. परमानेंस के बाद अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ, थोड़ा नीचे ले जाता हूं इसे मैं,
ऑन द बेसिस ऑफ नेगोशिएबिलिटी, नेगोशिएबिलिटी के बेसिस पे डिवाइड करूं अगर मैं डिबेंचर्स को, तो मेरे डिबेंचर्स कितने तरीके के होंगे? ऑन द बेसिस ऑफ नेगोशिएबिलिटी, तो नेगोशिएबिलिटी के बेसिस पे आपके रहेंगे, एक होता है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, और एक होता है बियरर डिबेंचर, बियरर डिबेंचर। देखो जी, रजिस्टर्ड डिबेंचर का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कंपनी अपने रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स में किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नाम फिक्स कर देती है, फॉर एग्जांपल कंपनी ने एक डिबेंचर इश्यू किया टू मिस्टर एक्स, और कंपनी ने अपने रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर में मिस्टर एक्स का नाम दर्ज कर दिया, मिस्टर एक्स का नाम लिख दिया, तो दैट डिबेंचर इज नोन एज रजिस्टर्ड डिबेंचर। व्हाई? बिकॉज दैट डिबेंचर इज रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ मिस्टर एक्स। यानी कि जो भी इंटरेस्ट की पेमेंट होगी, जो भी इंटरेस्ट की पेमेंट होगी, वो सब किसको मिलेगी? सर, एक्स को मिलती चली जाएगी। दैट इज नोन एज रजिस्टर्ड डिबेंचर। और एक होता है बियरर डिबेंचर। बियरर डिबेंचर में क्या होता है कि कंपनी डिबेंचर एक्स को इश्यू कर रही है, लेकिन कंपनी अपने रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर में एक्स का नाम नहीं लिख रही है, बियरर लिख दिया। तो बियरर डिबेंचर का मतलब क्या होगा कि सर, कल को जिसके पास वो डिबेंचर पहुंच जाएगा, कंपनी उसको इंटरेस्ट पे करेगी। मान लो अगर एक्स वाई को ट्रांसफर कर देता है, वाई जेड को कर देता है, जेड ए को कर देता है, ए बी को कर देता है, तो सर कंपनी अकॉर्डिंगली पेमेंट करती चली जाएगी कि भाई साहब जिसके पास डिबेंचर है वही उसका मालिक है। दैट इज नोन एज बियरर डिबेंचर। सर ज्यादातर जो कंपनी इशू करती है वो होते हैं बियरर डिबेंचर, क्योंकि सर बियरर डिबेंचर कैन बी इजीली ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन रजिस्टर्ड डिबेंचर के केस में बहुत कम होते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर, बिकॉज रजिस्टर्ड डिबेंचर के केस में वो ट्रेडिंग करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि सर अगर मान लो मैंने एक्स का ही नाम लिख दिया, अगर एक्स वाई को भेज देगा तो सर मेरे डिबेंचर होल्डर के रजिस्टर में तो एक्स का ही नाम है, मुझे तो एक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी, एक्स को इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी। अब एक्स क्या करेगा, बार बार वाई को ट्रांसफर करता चला जाएगा, वो थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो इस वजह से ज्यादातर कंपनी बियरर डिबेंचर इशू करती है। ठीक, तो बियरर का मतलब क्या होता है कि सर जिसके पास डिबेंचर का सर्टिफिकेट पहुंच गया वो उस डिबेंचर का मालिक होता है। ठीक, और लास्ट इज योर नेगोशिएबिलिटी के बाद, ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी के बेस पे डिवाइड करूं तो मेरे डिबेंचर होंगे दो तरीके के, दैट इज फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर और एक होता है सेकेंड मॉर्गेज डिबेंचर। फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर एंड सेकेंड मॉर्गेज डिबेंचर। फर्स्ट मॉर्गेज का मतलब क्या होता है, मैं रीड करके बता देता हूं। दीज डिबेंचर्स आर पेबल फर्स्ट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी चार्ज। और सेकेंड मॉर्गेज का मतलब क्या होता है, दीज डिबेंचर आर पेबल आफ्टर सेटिस्फाइंग द फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर। देखो जी, फर्स्ट मॉर्गेज का मतलब क्या होता है कि मान लो सर कंपनी ने अपनी लैंडेड बिल्डिंग डिबेंचर के अगेंस्ट सिक्योर कराई, तो जो लैंडेड बिल्डिंग जिस डिबेंचर के अगेंस्ट सिक्योर कराई है वो पहला डिबेंचर क्या कहलाएगा, फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर। कई बार क्या होता है कि सर कंपनी अपनी एक ही लैंडेड बिल्डिंग मल्टीपल डिबेंचर्स के अगेंस्ट सिक्योर करा लेती है। भाई पहले एक डिबेंचर्स इशू करे, एक क्लास ऑफ डिबेंचर इशू करे। भाई क्लासेस में होते हैं ना, जैसे शेयर्स भी क्लासेस में इशू होते हैं, वैसे डिबेंचर भी क्लास में इशू होते हैं, एक एक करके नहीं इशू होता। मान लो सीधा 1,00,000 शेयर इशू करे कंपनी ने, या सीधा 1,00,000 डिबेंचर इशू करे, तो वो पर्टिकुलर 1,00,000 क्लास कहलाती है। तो लैंड एंड बिल्डिंग अगर मान लो सर पहले कंपनी ने 1,00,000 डिबेंचर के अगेंस्ट सिक्योर कराई, तो वो 1,00,000 क्या कहलाएंगे, फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर। ठीक, उसके बाद कंपनी ने सेम लैंड एंड बिल्डिंग सेकेंड क्लास, सेकेंड कंपनी ने फिर दोबारा 2,00,000 डिबेंचर इशू करे, तो वो क्या कहलाएगी, जो 2,00,000 इशू है वो कहलाएंगे सेकेंड मॉर्गेज डिबेंचर। फर्क क्या होगा, सर जब भी लैंडेड बिल्डिंग बिकेगी तो पहले फर्स्ट मॉर्गेज की पेमेंट होगी, और उसके बाद फर्स्ट मॉर्गेज के बाद किसकी पेमेंट होगी, सर सेकेंड मॉर्गेज की पेमेंट होगी। अब यह फिक्स में भी हो सकता है और फ्लोटिंग में भी हो सकता है। क्लियर है पॉइंट, आया जी टाइप्स ऑफ डिबेंचर समझ में? तो एक बार दोबारा देखो कि अगर मैं डिबेंचर को बात करूं तो सर ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योर डिबेंचर दैट इज अगेंस्ट फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज, और दूसरा होता है व्हेन देयर इज नो चार्ज, अनसिक्योर डिबेंचर। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, कन्वर्टेबल डिबेंचर, कन्वर्टेबल डिबेंचर वो डिबेंचर जहां पर डिबेंचर होल्डर को ऑप्शन दिया जा रहा है टू कन्वर्ट देयर डिबेंचर्स इनटू शेयर्स ऑफ द कंपनी। और उसके बाद होता है व्हेन देयर इज नो सच ऑप्शन इज अवेलेबल, दैट इज नोन एज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। परमानेंस के बेसिस पे रिडीमेबल डिबेंचर और इरिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर मतलब एट अ
फिक्स पीरियड ऑफ टाइम कंपनी क्या करेगी, डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर देगी। और इररिडीमेबल में क्या होता है सर, जो डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट होती है वो फिक्स पीरियड पे नहीं होती, वो ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी करी जाएगी। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ नेगोशिएबिलिटी देखूं तो नेगोशिएबिलिटी के बेसिस पे मेरे पास रजिस्टर्ड डिबेंचर और बियरर डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कंपनी किसी पर्टिकुलर डिबेंचर होल्डर का नाम रजिस्टर्ड कर देती है अगेंस्ट द डिबेंचर, दैट इज नोन एज रजिस्टर्ड डिबेंचर। यानी कि जिसका नाम लिखा गया है कंपनी के रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर में वही डिबेंचर का मालिक है। और बियरर डिबेंचर में क्या होगा सर, बियरर डिबेंचर में कंपनी किसी को मालिक नहीं बनाती, वो सिंपल ये कह देती है कि भाई साहब जिसके हाथ में डिबेंचर सर्टिफिकेट होगा वो उस डिबेंचर का मालिक है। ठीक, ऐसे आपने चेक के केस में भी सुना होगा, कई बार आपने सुना होगा सर अकाउंट पे चेक और क्रॉस चेक। अकाउंट पे चेक और क्रॉस चेक का मतलब क्या होता है सर, जिस पे जिसका नाम चेक पे लिखा हुआ है, पेइंग पार्टी में जिसका नाम लिखा हुआ है तो वो हो जाएगा हमारा रजिस्टर्ड चेक या अकाउंट पे या क्रॉस चेक। यानी कि फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर चेक पे मेरा नाम लिखा हुआ है तो यानी कि वो चेक मेरे नाम पे ही है सर, मैं ही उस चेक का मालिक हूं और कोई नहीं है। एक होता है बियरर चेक, मतलब क्रॉस नहीं किया जाता या अकाउंट पे ही नहीं लिखा जा रहा तो वो बियरर है, मतलब अगर कल को मैं ये चेक किसी को भी दे दूं वो उसका मालिक है। क्लियर। प्रायोरिटी के बेसिस पे फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर और सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर। फर्स्ट मॉर्गेज मतलब जब भी आप एसेट सिक्योर कर रहे हो किसी फर्स्ट क्लास ऑफ डिबेंचर के अगेंस्ट तो पहले उसकी पेमेंट होगी एसेट बिकने पे और उसके बाद सेकंड मॉर्गेज वालों की पेमेंट करी जाएगी। ठीक, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ डिबेंचर। ठीक, एक डिफरेंस दे रखा है सर डिबेंचर और शेयर में, इसको रीड कर लेना आराम से समझ में आएगा, तो मैं इस पर टाइम नहीं लगा रहा कि डिबेंचर और शेयर में क्या फर्क है, ये एक बार रीड कर लेना बड़ी आराम से आपको समझ में आएगा। उसके बाद अब हम अगले मुद्दे पे आते हैं, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश कि सर कंपनी अपने डिबेंचर इशू कर रही है फॉर कैश। ठीक है, इसमें हमारे पास कई सारे केसेस बनते हैं तो केस बाय केस आपको चलना है, कई सारे केसेस बनते हैं। तो पहला केस बनता है आपके पास व्हेन डिबेंचर इज इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। देखो जब भी कंपनी अपने डिबेंचर इशू की एंट्री डालती है तो साथ साथ उसे रिडेम्पशन की टर्म्स को भी बताना पड़ता है, रिडेम्पशन की टर्म्स को भी बताना पड़ता है। अकॉर्डिंगली सर एंट्री में उसका इफेक्ट भी आएगा क्योंकि सर कंपनी को फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिडेम्पशन करनी करनी है, तो अगर कंपनी को मान लो सर ज्यादा पेमेंट करनी पड़ जाएगी तो कंपनी को उसके अगेंस्ट एक प्रोविजन बनाना पड़ेगा। ठीक, तो कंपनी को डिबेंचर इशू करते समय रिडेम्पशन की टर्म्स को भी बताना पड़ेगा। तो व्हेन डिबेंचर इज इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार, इसका मतलब क्या हुआ एग्जाम्पल के तौर पे? पार मतलब होता है सर फेस वैल्यू, मान लो डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपए की, तो यानी कि 100 का डिबेंचर इशू हुआ और 100 पे ही उसकी रिडेम्पशन होनी है। 100 का डिबेंचर इशू हुआ और 100 पे ही उसकी रिडेम्पशन होनी है, कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं कोई लॉस नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये सर 100 का इशू हुआ मतलब 100 रुपए में 100 रुपए मिले डिबेंचर दिया कंपनी को और जब लाइफ खत्म हो जाएगी तो सर 100 रुपए पे करके डिबेंचर वापसी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि 100 का इशू हुआ 100 की 100 पे ही उसकी क्या होनी है रिडेम्पशन होनी है। एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनाओ सर, एंट्री बनेगी पहले कंपनी के पास पैसा आएगा, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट जब डिबेंचर इशू किया कंपनी ने, टू डिबेंचर एप्लीकेशन कितने 100 और फिर क्या करेगी कंपनी डिबेंचर्स अलॉट कर देगी, डिबेंचर अलॉट कर देगी। ऐसे ही होता है सर जैसे शेयर में होता था, पहले शेयर में पैसा आता था फिर उसके बाद कंपनी अलॉटमेंट करती थी, ऐसे डिबेंचर भी होगा कि भैया डिबेंचर पहले कंपनी ने ऑफर करे, लोगों ने सब्सक्राइब करे, उसके बाद कंपनी क्या करेगी डिबेंचर्स को अलॉट करेगी। तो डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स, परसेंटेज मतलब जो भी डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमेशा साथ में लिखा जाता है, परसेंटेज डिबेंचर 100 से 100 100। ये क्या बता रहा है कि सर डिबेंचर इज इश्यूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। ठीक, अगला केस व्हेन डिबेंचर्स इज इश्यूड एट
प्रीमियम रिडीमेबल एट पार व्हेन डिबेंचर इज इश्यूड एट प्रीमियम बट रिडीमेबल एट पार। इसका मतलब क्या हुआ कि सर कंपनी डिबेंचर महंगा इशू कर रही है लेकिन पेमेंट पार पे होगी, कंपनी डिबेंचर महंगा इशू कर रही है लेकिन पेमेंट पार पे होगी। दैट इज कंपनी ने डिबेंचर लेट अस से 120 का इशू किया और रिडेम्पशन 100 पे होगी, रिडेम्पशन 100 पे होगी। सर क्या ऐसा कोई भी बंदा होगा जो इस टाइप का डिबेंचर खरीदेगा कि सर महंगा खरीद रहा है लेकिन पेमेंट उसे पूरी मिलेगी, 100 ही मिलेंगे? मतलब खरीद रहा है तो 120 दे रहा है लेकिन जब उसका पेमेंट वापसी मिलेगी तो 100 ही मिलेंगे, क्या कोई ऐसा खरीदेगा? बहुत से खरीदते हैं सर, बहुत से खरीदते हैं। क्यों? मान लो सर अगर कंपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अच्छा ऑफर कर दे, 15-15, 18-18% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर दे, यानी कि मार्केट से बहुत ज्यादा ऑफर कर दे, तो सर बंदे प्रीमियम पर भी डिबेंचर खरीदने के लिए तैयार है। या लोगों को लगता है कि सर कोई और इन्वेस्टमेंट सेफर बची नहीं है या कोई और इन्वेस्टमेंट में इतनी अच्छी रिटर्न है ही नहीं, तो लोग प्रीमियम पे भी खरीदेंगे सर डिबेंचर। ठीक, तो एंट्री क्या डलेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। भाई इनिशियली कंपनी को 120 रुपए आ गए लेकिन अभी मैं सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट नहीं कर सकता, क्यों? I have not allotted these debentures. मैंने भी allotment नहीं करी, और जब मैं allotment कर दूंगा तो मैं entry क्या डालूंगा? Debenture application account debit 120 to percentage debentures 100 और 20 रुपए का क्या हो गया? Securities premium to securities प्रीमियम 20। ठीक, क्लियर? तो ये डिबेंचर अलॉट हो गए। अगला केस क्या बन सकता है? व्हेन डिबेंचर इज इशूड एट इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार कि सर कंपनी ने अपना जो डिबेंचर था वो डिस्काउंट पर इश्यू किया लेकिन रिडेम्पशन पार पे होगी, लेकिन रिडेम्पशन पार पे होगी तो लॉस हो रहा है कंपनी को। मान लो कंपनी अपना डिबेंचर 100 का डिबेंचर 90 में इश्यू कर रही है और रिडेम्पशन 100 पे होगी, सर क्या कंपनी ऐसा करेगी? बिल्कुल करती है सर, कंपनी को पैसे की जरूरत है, कंपनी को पैसे की जरूरत है तो कंपनी अपना डिबेंचर सस्ते में निकाल रही है। वो कह रही है भैया 100 का डिबेंचर 90 में ले जाओ और पैसे आपको एंड में पूरे ही मिलेंगे, 100 के 100 ही मिलेंगे। करती है सर कंपनी, जरूरत होती है पैसों की तो करती है। तो क्या एंट्री डलेगी? डिबेंचर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 90 और फिर डिबेंचर अलॉट होंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट 90 और परसेंटेज डिबेंचर तो सर फेस वैल्यू से ही जाएगा, 2% डिबेंचर्स 100 से ही, तो 10 रुपए कहां चला जाएगा? 10 रुपए विल बी टर्म्ड एट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये लॉस है सर कंपनी के लिए, दिस इज लॉस, ये लॉस है। लेकिन इस लॉस को कंपनी एक ही बारी में राइट ऑफ ना करके जब तक डिबेंचर चलेंगे तब तक ये राइट ऑफ होता रहेगा। ऑब्वियसली सर ये जो नुकसान है कंपनी को ये ड्यूरिंग द लाइफ हुआ है ना, मतलब अगर मान लो डिबेंचर 10 साल के डिबेंचर हैं तो 10 साल में राइट ऑफ होना चाहिए लॉस डिस्काउंट, तो कंपनी 10 साल में इसे राइट ऑफ करेगी। अभी राइट ऑफ कैसे होगा वो मैं तरीका आपको बताऊंगा। डी, अब अगर मान लो व्हेन डिबेंचर इज इश्यूड एट पार, कंपनी ने डिबेंचर पार पर इश्यू किया, रिडीमेबल एट
प्रीमियम, प्रीमियम पर रिडीम होगा, पार पर इशू हो रहा है और प्रीमियम पर रिडीम होगा। होता है सर, बिल्कुल होता है, बहुत कॉमन चीज है। तो कि 100 रुपये पे डिबेंचर इशू हुआ लेकिन कंपनी ने टर्म्स लगा दी कि भैया रिडेम्पशन 120 पे करेंगे, लोग इंटरेस्टेड होंगे सर लेने में? बिल्कुल होंगे, कैंटी डलेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, कितने पैसे तो 100 ही आएंगे। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, 100 रुपए आएंगे कंपनी के पास इश्यू के टाइम पे, लेकिन कंपनी को यह पता है कि फ्यूचर में मुझे इस डिबेंचर के अगेंस्ट 120 रुपए देने हैं, 120 रुपए देने हैं। तो कंपनी क्या करेगी भाई, कंपनी प्रूडेंस लगाकर, प्रूडेंस याद है, प्रूडेंस क्या होता था, प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता था, प्रूडेंस कंसेप्ट कहता था कि जितने भी फ्यूचर लॉसेज हैं, जितने भी एक्सपेक्टेड लॉसेज हैं, एंटीसिपेटेड लॉसेज हैं, उनको आज ही प्रोवाइड कर दो, उनको आज ही प्रोवाइड कर दो। तो कंपनी क्या कहती है कि भाई साहब हमें पता है ना फ्यूचर में 20 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, तो क्यों ना हम आज ही उसका प्रोविजन बना ले, क्यों ना हम आज ही उसका क्या बना ले, प्रोविजन बना ले। तो प्रोविजन बना लेगी कंपनी, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट 100 टू परसेंटेज डिबेंचर्स, ये भी 100, लेकिन कंपनी क्या करेगी, एक प्रोविजन बना लेगी जिस प्रोविजन का नाम दिया जाएगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कितने का प्रोविजन बनाया कंपनी ने, 20 का प्रोविजन बनाया, लेकिन 20 प्रोविजन बनाने के लिए कंपनी को कुछ डेबिट भी करना पड़ेगा। वो डेबिट किसे किया जाता है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। और सर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ के डिबेंचर के साथ साथ ये लॉस भी ओवर द लाइफ राइट ऑफ होगा, एक ही बारी में राइट ऑफ ना करके कंपनी क्या करेगी, ओवर द लाइफ ऑफ द डिबेंचर इसे राइट ऑफ कर देगी। ठीक, तो ये क्या केस देखा हमने, डिबेंचर इज इश्यूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, केस नंबर ई। व्हेन डिबेंचर इज issued at premium, redeemable at premium, यानी कि सर कंपनी ने डिबेंचर प्रीमियम पर इश्यू किया और उसकी रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे ही करेगी। मान लो 100 का डिबेंचर कंपनी ने 110 का इश्यू किया और रिडेम्पशन 120 पे होनी है, 100 रुपए का डिबेंचर 110 में इशू किया और रिडेम्पशन कितने पे होनी है, 120 पे होनी है, कैंटी डलेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। कंपनी को कितना पैसा मिलेगा कंपनी से, कंपनी को डिबेंचर होल्डर्स पे से कितना पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 110 रुपए आएंगे, क्योंकि इशू प्रीमियम पर है और प्रीमियम पे कितना इशू है सर, 110 रुपए का डिबेंचर है, 100 का डिबेंचर 110 में इशू हो रहा है। उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, टू परसेंटेज डिबेंचर कैसे सर, देखो 110 का डिबेंचर, परसेंटेज डिबेंचर में तो फेस वैल्यू 100 ही जाएगी और ये 10 रुपए क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितना 10, लेकिन सर 100 का जो डिबेंचर था 110 में इशू हुआ था, रिडेम्पशन होनी है इसकी 20 रुपए पे, 20 रुपए के प्रीमियम पे, तो क्या डेबिट करोगे आप, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट 20 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 20। आया समझ में? हां जी, क्लियर। आओ जी नेक्स्ट केस लिखो। अब क्या हो सकता है सर, अब अगर मान लो व्हेन डिबेंचर इज इश्यूड एट डिस्काउंट,
एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, ऐसा भी होता है सर। ये उन कंपनी के लिए केस है जो कंपनी बिल्कुल सर डूबी हुई है, जिनको पैसे की बहुत ज्यादा नीड है, बिल्कुल डूबी हुई कंपनी है, वो क्या करती हैं? वो करती हैं सर अपना डिबेंचर सस्ता इशू कर दिया, 90 पे इशू कर दिया, और उन्होंने कंडीशन लगा दी कि भाई साहब 120 मिल जाएंगे, तो हर कोई बंदा भागेगा इसकी तरफ। क्या? कि उन्हें पता है कि भाई 100 का डिबेंचर एक तो सस्ता मिल रहा है और रिडेम्पशन भी हमें प्रीमियम पे होगी, तो हर कोई भागेगा इसके ऊपर, कैंटी बनेगी, एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। नाइन्टी और उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90 टू परसेंटेज डिबेंचर्स परसेंटेज डिबेंचर्स में क्या लिखूं सर? परसेंटेज डिबेंचर में तो फेस वैल्यू जाएगी, दैट इज 100, और डिस्काउंट में कितना लिखोगे आप? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर यू विल राइट 10। ओके, वो कह रहा है रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे होनी है, तो क्या लिखोगे? 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 20, और क्या लिखोगे आप यहां पर? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट 20। ठीक, क्लियर है? आप चाहो तो ये डिस्काउंट और लॉस ये इकट्ठे भी लिख सकते हो, क्योंकि सर दोनों ही राइट ऑफ होने हैं, दोनों ही राइट ऑफ होने हैं, तो इनको आप इकट्ठे भी लिख सकते हो। तो ये हमारे 6 केसेस बनते हैं, ये हमारे 6 केसेस बनते हैं अबाउट इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू के साथ साथ कंपनी को रिडेम्पशन के टर्म्स भी बतानी पड़ती है। सर क्या रिडेम्पशन डिस्काउंट पर नहीं हो सकती? हमने देख लिया रिडेम्पशन पार पे हो रही है, हमने देख लिया रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रही है, क्या रिडेम्पशन डिस्काउंट पे नहीं हो सकती? आंसर इज नो। अगर डिस्काउंट पर रिडेम्पशन होगी, कोई भी नहीं खरीदेगा डिबेंचर, कोई भी नहीं खरीदेगा, कोई भी इतना बेवकूफ थोड़ी ना है, वो कहेगा कंपनी को मैं 100 रुपए दे देता हूं और बाद में आप मुझे 90 रुपए दे देना, कोई खरीदेगा ही नहीं, कोई खरीदेगा ही नहीं, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सर, रिडेम्पशन डिस्काउंट पर हो ही नहीं सकती। ठीक, तो ये हमारे 6 केसेस हैं, तो एक बार इसको गो थ्रू कर लो।
हाँ जी चलो जी, तो ये हमारा था इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। आओ जी इससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन देखते हैं, हालांकि क्वेश्चन आपको ही खुद ही करने हैं वाले, एक बार मैं देख लेता हूं। सात पहले छह सात क्वेश्चन है देख लेते हैं जी। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है अमोल लिमिटेड इशूड 40 लाख 9% डिबेंचर ऑफ 50 ईच पेबल ऑन एप्लीकेशन एज पर द टर्म मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस एंड रिडीमेबल एट पार एट एनी टाइम आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, रिकॉर्ड द नेसेसरी एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर इन द बुक्स ऑफ अमोल लिमिटेड। कैंट्री डालोगे? हाँ जी कैंट्री डालोगे। क्वेश्चन नंबर वन, बैंक अकाउंट डेबिट। टू, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना 40 लाख डिवेंचर्स हैं और एक डिवेंचर कितने का है 50 का है, तो कितना हो गया ये 20 करोड़। हाँ जी 40 लाख इंटू 50 20 करोड़, ये हो गया आपका 20 करोड़। ठीक, आप रुपीज इन करोड़ लिख के भी कर सकते हो और फिर बनेगी आपके डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 20 करोड़ टू 9% डिबेंचर्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर टू, अतुल लिमिटेड इशूड 1 करोड़ 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% रिडीमेबल एट पार एट द एंड ऑफ 10th ईयर, मनी वॉज पेबल एज फॉलोज 30 ऑन एप्लीकेशन 60 ऑन अलॉटमेंट, रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री रिगार्डिंग द इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है सर, वो कह रहा है 100 रुपये का डिवेंचर 10% का डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट हो गया 10 रुपये का। ठीक है, और इसकी इस पैसे कैसे कैसे आए, 30 ऑन एप्लीकेशन एंड 60 ऑन अलॉटमेंट। आप किसी के साथ भी डिस्काउंट मान लो, जनरली एप्लीकेशन के साथ ही डिस्काउंट माना जाता है, प्रीमियम और डिस्काउंट एप्लीकेशन के साथ ही माना जाता है डिबेंचर का, तो यहां पर ले लो आप। कैंट्री डालोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन कितना 1 करोड़ इंटू 90। अच्छा ये क्वेश्चन मैं रुपीज इन करोड़ में कर दूं, थोड़ा नीचे करके, लिख दो ऊपर रुपीज इन करोड़। ऐसे करके भी आप कर सकते हो, ध्यान रखना इस ऐसे करके भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। कई बार क्या होता है फिगर लैक्स में होती है, 000 लगाने में टाइम लगता है, करोड़ में होती है, 000 लगाने में टाइम लगेगा, तो आप ऊपर रुपीज इन लैक्स रुपीज इन करोड़ कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ेगा फिगर्स के ऊपर, फिर थोड़ा सा अटेंटिव आपको रहना पड़ेगा। अब जैसे 1 करोड़ × 90 है, तो ये एंट्री कितने से डालोगे, 90 ऊपर सिग्निफाई कर रहा है सर रुपीज इन करोड़। सेकेंड, डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट 90, डिस्काउंट एक मिनट 90 नहीं 30, सॉरी 30 होगा ना ये 30 करोड़, क्योंकि एप्लीकेशन पे सिर्फ 30 रुपये आते हैं, बाकी 60 रुपये अलॉटमेंट पे है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ये कितने से होगा, ये होगा आपका 1 करोड़ × 10, तो 10 करोड़ टू कितना परसेंट, 8% डिबेंचर 100। ठीक, फिर अलॉटमेंट ड्यू करो, डिबेंचर्स की अलॉटमेंट ड्यू करो, दैट इज डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स 1 करोड़ × अलॉटमेंट है 60 की 60, और फिर अलॉटमेंट रिसीव दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू
डिबेंचर अलॉटमेंट 60 60, ठीक, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। क्विनल केमिकल्स लिमिटेड इशूड 15 लाख 10% डिबेंचर ऑफ 50 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% पेबल 20 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट पार आफ्टर 6 ईयर। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज कॉल्ड अप एंड रिसीव्ड। रिकॉर्ड द नेसेसरी एंट्री व्हेन प्रीमियम इज इंक्लूडेड इन एप्लीकेशन मनी। अगर ये साइलेंट होता कि सर प्रीमियम कहां पर है, तब भी आप एप्लीकेशन ही एजम्पशन लेकर चलते। इसने बता दिया तो अच्छी बात है। करें जी क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड करो। बैंक अकाउंट डेबिट ये रुपीज इन लैक्स में कर लू क्वेश्चन। रुपीज इन लैक्स, ठीक। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 15 लाख इंटू 20, 300 लाख। 300 लाख, ओके। सेकंड डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 300 टू 10% डिबेंचर। अच्छा प्रीमियम कितना है, 50 का 10% प्रीमियम है, यानी कि 5 रुपए का प्रीमियम है, ओके। तो 10% डिबेंचर यहां जाएगा, फेस वैल्यू कितनी, फेस वैल्यू, और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। सर सिक्योरिटी प्रीमियम में तो पता है हमें 15 लाख इंटू 5 जाएगा, और यहां कितना जाएगा, 15 लाख इंटू 15, ठीक। तो 15 इंटू 15 225 तो यहां आ गया, और 75 यहां आ गया, ठीक, क्लियर। थर्ड एंट्री, फिर वो कह रहा है बाकी बैलेंस अलॉटमेंट पे। बाकी बैलेंस कितना बचता है, 35 की अलॉटमेंट है। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर 15 लाख इंटू 35 525 लाख, और फोर्थ इज योर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, दैट इज 525 लाख। क्लियर, क्लियर है जी। चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ। मॉडर्न इक्विपमेंट लिमिटेड इशूड 4 लाख 12% डिबेंचर ऑफ 100 पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट पे 70। दीज डिबेंचर्स वर फुली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। एज पर द टर्म्स ऑफ द इशू डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट 110 रुपए पर डिबेंचर। रिकॉर्ड द एंट्री रिगार्डिंग द इशू ऑफ डिबेंचर। आओ जी क्वेश्चन नंबर फोर्थ। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन कितना, 4 लाख इंटू 30, 4 लाख इंटू 30 दैट इज 12 लाख, नहीं सॉरी 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, ठीक। सेकंड, अब वो कह रहा है कि रिडेम्पशन होनी है प्रीमियम पर, 10 रुपए का प्रीमियम है, रिडेम्पशन होनी है प्रीमियम पर। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट लॉस ऑन
इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन में जाएगा 1,20,00,000, यहाँ कितना जाएगा 4,00,000, कितने का प्रीमियम है 10 रुपये का प्रीमियम है, तो ये हो जाएगा 40,00,000। टू 12% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स कितना 1,20,00,000 एंड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर दैट इज 40,00,000। ठीक, तो ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन फिफ्थ कहता है एग्रोटेक लिमिटेड, एग्रोटेक लिमिटेड इशूड 150,00,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 3 ईयर्स, पेबल 50 ऑन एप्लीकेशन एंड 44 ऑन अलॉटमेंट। ठीक, रिकॉर्ड द एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर करें। करें जी, आओ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अब देखने से ही पता लग रहा है कि सर जो डिस्काउंट है वो अलॉटमेंट पे है, तो कर लेते हैं अकॉर्डिंगली एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन 150,00,000 इंटू 50 कितना हो जाएगा 7,500,00,000। ये क्वेश्चन रुपीज इन लैक्स में चल रहा है, सेकंड डिबेंचर एप्लीकेशन। अच्छा, क्या मैं इस एंट्री में डिस्काउंट डेबिट करूं, क्या मैं इस एंट्री में डिस्काउंट डेबिट करूं? सर इस एंट्री में नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन पे डिस्काउंट नहीं है, अलॉटमेंट पे डिस्काउंट है। ठीक, लेकिन रिडेम्पशन प्रीमियम पे है, 5% का प्रीमियम, तो 100 का 5% 5 रुपए का प्रीमियम हो गया, 5 का प्रीमियम हो गया, तो आप करोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 150,00,000 इंटू 5 डेबिट 750 टू 9% डिबेंचर 9% डिबेंचर्स कितना 150 to 7,500 एंड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 750। ठीक, थर्ड देखो, अब अलॉटमेंट दैट इज डिबेंचर अलॉटमेंट, अकाउंट डेबिट कितने से 150,00,000 इंटू 44 की अलॉटमेंट है। अब इस पर डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 150,00,000 इंटू 6% था ना, 6% टू 9% डिबेंचर्स हो जाएगा, ये 150 इंटू 44 दैट इज 6,600 7,500 एंड नेक्स्ट इज योर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट 6,600
क्लियर। चलो जी, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको, बताइए जी, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स, वो कहता है साइमंस लिमिटेड इशूड 1,12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट पार पेबल इन फुल ऑन एप्लीकेशन बाय 1 अप्रैल। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1,10,000 डिवेंचर्स एंड डिवेंचर वर अलॉटेड ऑन 7 अप्रैल। एक्सेस मनी रिफंडेड ऑन द सेम डेट। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्री। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है सर, और एक्सेस वो कह रहा है कि सर रिटर्न कर दी। ऑब्वियसली रिटर्न करोगे क्योंकि वो एक ही बार पैसा मंगवा रहा है, ठीक, तो रिटर्न कर दी एक्सेस। कर सकते हो क्वेश्चन, कर सकते हो, क्विकली ट्राई करो, आपको दे रहा हूं मैं 1 मिनट, ट्राई करो। हाँ जी, क्या एंट्री डाली आपने? देखो जी, मैच करो एक बार। क्वेश्चन नंबर सिक्स, बैंक अकाउंट डेबिट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन, कितना पैसा? तो सर 1,10,000 एप्लीकेशन के साथ आया, 1,10,000 इंटू कितने रुपए का डिबेंचर था? 100 रुपए का डिबेंचर था फुल ऑन एप्लीकेशन, तो 1,10,000 इंटू 100, तो कितना आ गया ये? 1,10,00,000 एक करोड़ दस लाख, अच्छा डेट का भी चक्कर था, सॉरी 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 सॉरी, डेट्स भी थी तो डेट के हिसाब से करना। 1 अप्रैल ये 1/4 को थी, और फिर अगली एंट्री 7 अप्रैल को डल रही है, दैट इज डिबेंचर एप्लीकेशन। वन करोड़ 10 लाख, टू 12% डिबेंचर्स, कितना सर? 12% डिबेंचर में तो 1,00,000 × 100 जाएगा, दैट इज 1 करोड़ जाएगा, और बाकी 10 लाख कहां जाएगा? रिफंड हो जाएगा टू बैंक। वो कह रहा है ना एक्सेस वॉज रिफंडेड, तो एक्सेस 10 लाख जो था वो रिफंड हो गया। ये 10 लाख मतलब सर 10,000 एप्लीकेशन पे जो 100 रुपए आए थे वो रिफंड हो गए, ठीक। अब आओ जी क्वेश्चन नंबर 7 पे। एक्स लिमिटेड इशूड, एक्स लिमिटेड इशूड 1,12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% पेबल फुल ऑन एप्लीकेशन बाय 31 मई 2017। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1,20,000 डिबेंचर, डिबेंचर वर अलॉटेड ऑन 9 जून, एक्सेस मनी वर रिफंडेड ऑन द सेम डेट। पास द जर्नल एंट्री एंड शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। जर्नल एंट्री बना लेते हैं सर, लेजर अकाउंट्स तो आप देख लेना, खुद ही बना लेना, लेजर अकाउंट में तो कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। 31 मई 2017 कितनी क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन, कितना? 1,20,000 पे कितने रुपए आ गए? वो कह रहा है 100 का डिबेंचर था, 10 का डिस्काउंट था, यानी कि 90 रुपीज आ गए। कितने हो गए ये? 1,08,00,000, 1,08,00,000 आ गया, ठीक। उसके बाद फिर वो कह रहा था 9 जून को अलॉटमेंट होगी,
9th जून को अलॉटमेंट होगी, दैट इज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,08,00,000 टू 12% डिबेंचर्स टू 12% डिबेंचर्स कितना 12% डिबेंचर 1,00,000 इंटू 100 1,00,00,000 टू बैंक एक्सेस मनी रिफंड कर दी टू बैंक कितना रिफंड किया कि सर 20,000 एप्लीकेशन पे जो 90 रुपए आए थे वो रिफंड कर दिए 18,00,000 रिफंड कर दिए और 10 का क्या हो गया डिस्काउंट हो गया डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ये हो गया डिस्काउंट कितना 10,00,000 और ये 10,00,000 कैसे निकला ये निकला कैसे निकला 1,00,000 इंटू 10 ठीक क्लियर अब उसने बोलता कुछ लेजर अकाउंट्स बना दो तो एक अगर आप डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बनाना चाहो तो वो बनाओ डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कैसे बनाओगे डिबेंचर एप्लीकेशन में क्या डालोगे बाय बैंक 31 मई को बाय बैंक कितना 108 और 9th जून को आप क्या लिखोगे डिबेंचर एप्लीकेशन में 2 12% डिबेंचर कितना 1,00,00,000 एंड टू बैंक 1,00,00,000 कह रहा हूं 90,00,000 तो 12% डिबेंचर में आएंगे और यहां कितने जाएंगे 18,00,000 ठीक अगर आप बनाओ 12% डिबेंचर अकाउंट 12% डिबेंचर अकाउंट कैसे बनाओगे आप इसमें लिखोगे 9th जून को बाय डिबेंचर एप्लीकेशन ₹90,00,000 एंड बाय डिस्काउंट ₹10,00,000 और 31 मार्च को आपका हो जाएगा टू बैलेंस CD ये कितना हो गया 1,00,00,000 ठीक ऐसे डिस्काउंट का बना लेना ठीक तो ये आपके लेजर अकाउंट है नॉट सो इम्पॉर्टेंट इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है मेन आपकी एंट्रीज है ठीक चलो तो ये हो गया हमारा इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश नेक्स्ट एरिया लिखो नेक्स्ट टॉपिक लिखो इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यह होता है कि सर कंपनी ने अपने डिबेंचर इशू करे कंपनी ने अपने डिबेंचर इशू करे लेकिन वो डिबेंचर एज अ सिक्योरिटी इशू करे एज अ सिक्योरिटी इशू करें मतलब उन डिबेंचर्स के बदले में कंपनी को कैश नहीं आया कंपनी ने वो डिबेंचर एज अ सिक्योरिटी इशू करें फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने सर कहीं से बैंक लोन लिया कंपनी ने कहीं से लोन लिया किसी बैंक से लोन लिया लेट अस से 1,00,00,000 रुपए का 1,00,00,000 रुपए का लोन लिया और उस 1,00,00,000 के बदले में अपने डिबेंचर को सिक्योर करा दिया कंपनी ने उस 1,00,00,000 के लोन के बदले में अपने 1,25,00,00,000 के डिबेंचर को सिक्योर करा दिया अब बैंक को भी सिक्योरिटी मिल गई
बैंक को क्या सिक्योरिटी मिलगी? कंपनी की डिबेंचर। यानी कि कल को अगर कंपनी लोन नहीं पे करेगी तो बैंक क्या करेगी? उन डिबेंचर्स को मार्केट में बेच सकती है, स्टॉक मार्केट में बेच सकती है और अपने पैसे को रिकवर कर सकती है। तो कंपनी जब भी अपने डिबेंचर एज अ सिक्योरिटी इशू करती है, दैट इज नोन एज इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। यहां पर कंपनी को डिबेंचर इशू करके कैश नहीं मिल रहा, सिर्फ कंपनी एज अ सिक्योरिटी रखने के लिए डिबेंचर इशू कर रही है। ठीक, अब इसका तरीका क्या है? ऑप्शन ए, दो ऑप्शन है, डिस्क्लोज द फैक्ट दैट डिबेंचर आर इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी अंडर लोन्स इन द नोट्स टू अकाउंट। कि कंपनी अपने नोट्स टू अकाउंट्स में, कंपनी अपने नोट्स टू अकाउंट्स में जहां लोन शो करेगी, उस लोन के नीचे ये डिस्क्लोज करते कि भाई साहब इस लोन के अगेंस्ट कंपनी ने अपने इतने डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू कर रखे हैं। क्यों सर? कंपनी अपने डिबेंचर को लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में नहीं दिखा सकती। बताओ जी, क्या कंपनी अपने डिबेंचर को लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में नहीं दिखा सकती? आंसर इज नहीं दिखा सकती। क्यों नहीं दिखा सकती? क्योंकि सर एक्चुअली में डिबेंचर इशू नहीं हुए, वो सिर्फ सिक्योरिटी में रखने के लिए इशू हुए। ठीक, ऑप्शन बी कि कंपनी एक एंट्री डाल दे दैट इज डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। अगर कंपनी ने ये एंट्री डाल दी तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि सर ये डिबेंचर सस्पेंस ये आपका अदर करंट एसेट्स में शो होने लग जाएगा, और ये जो डिबेंचर्स हैं फिर आपके ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में शो होने लग जाएंगे, फिर कंपनी को लोन के साथ ये फैक्ट मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक, डन 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 डन, आओ क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। देखो जी क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड ऑप्टेन्स लोन फ्रॉम आईडीबीआई फॉर रुपीज 1 करोड़ गिविंग एज कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ 1 करोड़ 50 लाख ऑफ 10 ईच 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर। प्रेजेंट द ट्रांजेक्शन इफ नो एंट्री इज मेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। वो कह रहे हैं डिबेंचर इश्यू करने की कंपनी ने कोई भी एंट्री नहीं डाली तो कैसे करोगे आप? क्वेश्चन 8 कि कंपनी नोट्स टू अकाउंट्स में एक नोट बनाएगी। किसका सर? एक नोट बनाएगी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का। इसमें टर्म लोन्स के अंदर क्या लिखेगी? लोन फ्रॉम आईडीबीआई कितने का? 1 करोड़। यहां पर ये फैक्ट डिस्क्लोज कर दिया जाएगा दैट रुपीज 1 करोड़ 50 लाख 14% फर्स्ट मोर्टगेज डिबेंचर
आर इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। ठीक, ये फैक्ट डिस्क्लोज कर दिया हमने, क्या करा लोन के साथ ये फैक्ट को डिस्क्लोज कर दिया, दैट्स इट। अब अगर मान लो अगला क्वेश्चन देखो, एक्स लिमिटेड ऑप्टेन लोन फ्रॉम आईडीबीआई 1 करोड़, गिविंग एज कोलेटरल सिक्योरिटी 1 करोड़ 50 लाख, 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर, प्रेजेंट द ट्रांजेक्शन इफ द एंट्री इज मेड इन द बुक्स। अगर मान लो सर कंपनी डिबेंचर की एंट्री डाल देती, एंट्री डाल देती मतलब कंपनी एंट्री पास कर देती डिबेंचर सस्पेंस, अकाउंट डेबिट टू 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर, फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर ये एंट्री पास कर देती 1 करोड़ 50 लाख। अब इससे क्या होता, इससे ये होता कि सर जब बैलेंस शीट बनती, जब बैलेंस शीट बनती, ये लो बैलेंस शीट, इसमें इसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी में नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग आता, नोट नंबर वन, और साथ में कंपनी के करंट असेट्स में एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ रहा होता, नोट नंबर टू, और एक आ रहा होता अदर करंट असेट्स, अदर करंट असेट्स, नोट नंबर थ्री। देखो जी कैसे कि सर नोट नंबर वन में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में इसमें क्या आ रहा होता, इसमें आ रहा होता लोन फ्रॉम आईडीबीआई, लोन फ्रॉम आईडीबीआई 1 करोड़। अब यहां पर कोई फैक्ट डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, कंपनी अलग से अपने डिवेंचर दिखा रही है 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर 1 करोड़ 50 लाख, यानी कि टोटल जो लॉन्ग टर्म बोरिंग आ रही है वो आ रही है 2 करोड़ 50 लाख, 2 करोड़ 50 लाख। सेकंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक आता, बैंक में कौन सा बैलेंस आता, सर बैंक में वो बैलेंस आता जो लोन से आया, लोन लिया है तो पैसा आया 1 करोड़, बैंक में ही आता। और थर्ड, अदर करंट एसेट, अदर करंट एसेट में क्या आ रहा होता आपका, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, दैट इज डिबेंचर सस्पेंस में 1 करोड़ 50 लाख। ठीक, एक करोड़ और ये 1 करोड़ 50 लाख। ठीक, अब मुझे ये बताओ आपके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज बेटर या ऑप्शन नंबर बी इज बेटर, कि सर एंट्री ना डाल के काम ठीक हो रहा है या एंट्री डाल के काम ठीक हो रहा है, एंट्री ना डाल के काम ठीक हो रहा है या एंट्री डाल के काम ठीक हो रहा है। सर एंट्री ना डाल के काम ठीक हो रहा है, क्योंकि सर आपको नहीं लगता कि ऑप्शन नंबर बी एंट्री डाल दो तो ये उल्टी सीधी प्रेजेंटेशन है, अजीब सी प्रेजेंटेशन है कि जब डिबेंचर इशू ही नहीं करे तो कंपनी अपनी डिबेंचर में अपनी लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में डिबेंचर दिखाई क्यों रही है और फिर डिबेंचर सस्पेंस क्या है, ये बड़ी उल्टी सीधी प्रेजेंटेशन है जो होनी ही नहीं चाहिए, वेग प्रेजेंटेशन है। बेटर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बेटर है कि सर वो आपको जेन्युइन लगेगा कि लोन के नीचे फैक्ट डिस्क्लोज कर दो कि भाई इसके अगेंस्ट हमने अपने डिबेंचर मॉर्गेज कर रखे हैं। क्लियर है पॉइंट? ठीक, तो ये हो गया आपका डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अब लिखो इशू ऑफ डिबेंचर, अगला टॉपिक, इशू ऑफ डिबेंचर्स
फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश. जैसे शेयर्स में देखा था, हाँ जी, जैसे शेयर्स में देखा था कि शेयर्स आर इश्यूड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, उसी तरीके से यहां पर भी होगा. क्या एंट्री डालोगे सर? सबसे पहले एंट्री डालोगे, अगर मान लो एसेट खरीदा है तो सन्डरी एसेट डेबिट. कई बार क्या होता है कि सर कंपनी पूरा का पूरा बिजनेस खरीद जाती है. मान लो एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है, एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को टेक ओवर किया. मुझे बताओ, एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को टेक ओवर किया, इसका मतलब क्या हुआ कि सर एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड के एसेट्स को कैरी कर लिया, एसेट्स को टेक ओवर कर लिया, एसेट्स खरीद लिए, और साथ साथ एक्स ने वाई की लाइबिलिटी भी तो खरीद ली. भाई ऐसा थोड़ी ना होगा कि एसेट ही एसेट ले गए. मान लो आप एक कंपनी हो, मैं एक कंपनी हूं, मैं आपको टेक ओवर कर रहा हूं, तो मैं आपके एसेट्स भी लूंगा और लाइबिलिटी भी लूंगा. ऐसा थोड़ी ना होगा सिर्फ एसेट लेके चला गया, लाइबिलिटी आपको सौंप दी. नहीं, जब मैंने आपके बिजनेस को टेक ओवर कर लिया तो आपके एसेट भी मेरे, आपकी लाइबिलिटी भी मेरी. तो एसेट मेरे तो सन्डरी एसेट डेबिट, लेकिन अगर आपकी लाइबिलिटी भी मेरी तो सन्डरी लाइबिलिटी डेबिट, सन्डरी लाइबिलिटी क्रेडिट. ठीक, और जो बैलेंस बचेगा वो मैं आपको पे कर दूंगा टू वेंडर अकाउंट, टू वेंडर अकाउंट. मान लो कि सर आपके एसेट थे 100 करोड़ के, आपके एसेट थे 100 करोड़ के और आपकी लाइबिलिटी थी 80 करोड़ की, तो मैंने 100 करोड़ का आपसे एसेट लिए, 80 करोड़ की आपकी लायबिलिटी आई, तो बचे 20 करोड़ रुपए, वो मैं आपको पे कर दूंगा, पूरा बिजनेस आपका मेरा. ठीक, अब इसकी पेमेंट के लिए, इसकी पेमेंट के लिए तो अगर मैं अपना डिबेंचर इशू कर रहा हूं तो एंट्री क्या डालूंगा? वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर. वेंडर किस अमाउंट से डेबिट होता है? वेंडर डेबिट होता है परचेज कंसिडरेशन, कि सर किस प्राइस पर डिसाइड हुआ है. ठीक, और अगर आपको निकालने हो सर नंबर ऑफ डिबेंचर्स, कि सर कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू हुए हैं, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? परचेज कंसिडरेशन, कि कितना पेमेंट करनी है वेंडर को, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, कि एक डिबेंचर कितने का लगा है, एक डिबेंचर का इशू प्राइस क्या है, वो निकल के आएंगे क्या? नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड टू द वेंडर. ठीक, आओ जी, इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10th है. क्वेश्चन नंबर 10th है, वो कहता है एक्स लिमिटेड इशूड टेन थाउजेंड 14% डिबेंचर्स ऑफ द नॉमिनल वैल्यू 50 लाख. ठीक है सर, वो कह रहा है 10,000 डिबेंचर है 50 लाख रुपए के, तो मुझे बताओ एक डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू कितनी होगी? 500 रुपए. तो आप कह सकते हो कि सर एक डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है दैट इज 500 रुपीज. 500 रुपए की फेस वैल्यू का एक डिबेंचर है. वो कंपनी ने कैसे इशू करे? टू सन्डरी पर्संस फॉर अ कैश एट 90% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ 25 लाख. वो कह रहा है कंपनी ने 50 लाख में से 25 लाख के डिबेंचर, 50 लाख में से 25 लाख की नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर लोगों को, सन्डरी पर्संस को इशू कर दिए फॉर कैश एट 90%. यानी कि मैं सिंपल वर्ड्स में कह सकता हूं कि सर 50 लाख में से 25 लाख के डिबेंचर इशू हो रहे हैं फॉर कैश एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट. तो क्या एंट्री डालोगे 10th के पहले पार्ट की? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना, ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन. हालांकि डिबेंचर का सर एक क्वेश्चन तो कंफर्म आता ही आता है और छोटा ही क्वेश्चन आता है उसका. क्वेश्चन नंबर 10th ए पार्ट, बैंक अकाउंट डेबिट, कि सर 25 लाख का 90% पैसा आया क्योंकि 10% तो डिस्काउंट हो गया, 22,50,000 डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 25 लाख का 10%. अब यहां डिबेंचर एप्लीकेशन वाली एंट्री नहीं कर रहा, मैं इकट्ठे कर रहा हूं. आप भी ऊपर एंट्री इकट्ठे कर सकते हो, लेकिन बेटर रहता है अलग अलग कर लो, लेकिन ये यहां पर मल्टीपल पार्ट्स है तो यहां इकट्ठे अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है. 250, अगर खाली सिंगल इशू का क्वेश्चन आएगा तब आप सर पूरी डिटेल में एंट्री करके दिखाओगे. 214% डिबेंचर,
यानी कि सर 50 लाख की नॉमिनल वैल्यू में से 25 लाख की नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर हैव बीन इशूड। ठीक, डन। बी पार्ट, टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ फिक्स असेट वर्थ रुपीज 10 लाख 12.5 लाख नॉमिनल वैल्यू। वो कह रहा है कंपनी ने कुछ एसेट्स खरीदे, पहले एसेट्स की एंट्री डालो, फिक्स्ड एसेट्स, एसेट कितने के खरीदे, 10 लाख के, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट 10 लाख, टू वेंडर 10 लाख, अब वो कहता है वेंडर के 10 लाख की पेमेंट करने के लिए, वेंडर के 10 लाख की पेमेंट करने के लिए कंपनी ने 12.5 लाख की नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर इशू कर दिए, यानी कि 2.14% डिबेंचर में क्या लिखूंगा मैं, 12.5 लाख। इसका मतलब मैंने वेंडर को डिबेंचर इशू किया है एट डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 250। ठीक, क्लियर, ओके। नेक्स्ट, टू बैंकर एज कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर अ लोन ऑफ 10 लाख 12.5 लाख नॉमिनल वैल्यू। वो कह रहे हैं हमने बैंक से लोन लिया 10 लाख का, उसके अगेंस्ट हमने 12.5 लाख के डिबेंचर इशू कर दिए। अब इसमें दो ऑप्शन है, या तो आप एंट्री डाल के कर दो, अगर एंट्री डाल के करोगे तो पहले तो लोन लोगे, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, बैंक डेबिट टू लोन, दस लाख, और फिर क्या करा कंपनी ने, डिबेंचर इश्यू कर दिए लोन के अगेंस्ट 12.5 लाख के, यानी कि डिबेंचर सस्पेंस। डेबिट टू 14% डिबेंचर, और आप क्या कर सकते हो सर, और आप अपनी लोन में, अपनी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में, जब आप लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का हेड बनाओगे नोट्स टू अकाउंट्स में, उसमें आप लोन फ्रॉम बैंक लिखोगे 10 लाख, उसके नीचे वो कह रहा है फैक्ट मेंशन कर सकते हो क्या, रुपीज 12.5 लाख 14%, रुपीज 12.5 लाख 14% डिबेंचर इश्यूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। ठीक, ये आप करके चल सकते हो। ठीक, क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन था 8th, समझ में आया सर, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कोलेट्रल सिक्योरिटी और इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। ठीक, अब दो टॉपिक बचे हैं इसके अंदर, एक आता है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और एक आता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। छोटे छोटे टॉपिक है, 2 मिनट का मैं ब्रेक दे रहा हूं आपको, 2 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं।
हाँ जी कंटिन्यू करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अब देखो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर मतलब क्या होता है कि सर कंपनी ने अपने डिबेंचर को सस्ता इश्यू कर दिया। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कब बनाते थे, व्हेन डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम। दोनों ही कंपनी को नुकसान है, दोनों ही कंपनी को नुकसान है, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, इन डिस्काउंट को या इस लॉस को राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक पॉइंट लिखो कि दिस डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस विल बी रिटर्न ऑफ ओवर द लाइफ ऑफ द डिबेंचर इन द रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट एवरी ईयर। ठीक, वो कहता है चाहिए डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हो, चाहिए लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हो, इसको राइट ऑफ किया जाएगा, इसको कंपनी राइट ऑफ करेगी। राइट ऑफ करने का मतलब है अपने पीएनएल अकाउंट में डाल देना। कंपनी इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करेगी ओवर द लाइफ ऑफ द डिबेंचर। मान लो डिबेंचर 10 साल के हैं, 5 साल के हैं, और एक रेशियो निकाल लेगी, रेशियो ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ईच ईयर एट द एंड ऑफ ईच ईयर। क्योंकि सर आउटस्टैंडिंग अमाउंट का मतलब क्या हुआ कि हर साल डिबेंचर का कितना अमाउंट ड्यू है, क्योंकि कुछ ना कुछ बीच बीच में रिडेम्पशन भी चलती रहती है, तो जितना जितना अमाउंट ड्यू है तो हर साल वो अमाउंट चेक कर लिया, एक रेशियो निकाल ली, और उस रेशियो के हिसाब से अमाउंट को क्या करा, डिस्काउंट और लॉस को राइट ऑफ करना स्टार्ट किया। ठीक, एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वो कहता है HDFC लिमिटेड इश्यूज 1,12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 94 ऑन 1 जनवरी 2017। ठीक, अंडर द टर्म्स ऑफ द इशू डिबेंचर आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। वो कह रहा है डिबेंचर सीधा 5 साल बाद राइट ऑफ होने हैं। ओके, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन ईच ऑफ द 5 years। मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 11th, कि सर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स दैट इज 1,00,000 इनटू डिस्काउंट पर डिबेंचर दैट इज 6, तो कितना हो गया 6,00,000। 6,00,000 इज डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अब इस 6,00,000 को राइट ऑफ करना है, 6,00,000 को राइट ऑफ करने के लिए आपको चाहिए आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ईयर 1, 2, 3, 4, 5। आउटस्टैंडिंग अमाउंट देख लो, आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना कितना, कि सर टोटल आउटस्टैंडिंग है 1,00,000 × 100, तो ये हो गया 1,00,000 × 100 कितना हो गया 1 करोड़। इसका मतलब सर हर साल ही 1 करोड़ है, क्योंकि सीधा रिडेम्पशन तो 5 साल बाद होनी है ना, सीधा रिडेम्पशन कब होनी है, 5 साल बाद होनी है। तो आप कह सकते हो कि सर आउटस्टैंडिंग अमाउंट हर साल ही क्या है 1 करोड़ है। तो अगर आप रेशियो की बात करो, रेशियो क्या निकलेगी, रेशियो निकलेगी 1:1:1:1:1:5। तो इसका मतलब अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ कितना निकलेगा कि सर 6,00,000 का हर साल 1/5, यानी कि 1,20,000, इधर भी 1,20, इधर भी 1,20, इधर भी 1,20, इधर भी 1,20, टोटल इज 6,00,000। आया समझ में पॉइंट, आया समझ में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार के मॉक टेस्ट में था ये क्वेश्चन। क्या कहता है वो कहता है सर डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को कंपनी राइट ऑफ करेगी ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर इन द रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट ईच ईयर। हर साल आप देखो कितना कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, उनकी रेशियो निकालो और उस रेशियो में क्या करो, राइट ऑफ करना स्टार्ट कर दो। दैट्स इट। क्योंकि इस क्वेश्चन में एक सर हम बीच बीच में रिडेम्पशन कर ही रहे, तो हमारी रेशियो बराबर ही हो जाएगी, क्योंकि हर साल आउटस्टैंडिंग अमाउंट सेम है, तो इक्वल अमाउंट से क्या हो जाएगा, डिस्काउंट भी राइट ऑफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12th, अगर मैं 12th क्वेश्चन की बात करूं तो ध्यान से पढ़ो। वो कहता है HDFC लिमिटेड इश्यूज 2,12,000% डिबेंचर
ऑफ रुपीज 10 ईच एट 9.50 9.40 ऑन 1st January 2010 अंडर द टर्म्स ऑफ द इशू 1/5 ऑफ द डिबेंचर आर एनुअली रिडीमेबल बाय ड्रॉइंग्स. वो कह रहा है हर साल 1/5 डिबेंचर क्या हो जाएंगे, रिडीम हो जाएंगे. फर्स्ट डिबेंचर्स अकरिंग ऑन 31st December 2010. वो कह रहा है पहली रिडेम्पशन कब होगी, 31st December 2010 को. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम 2010 से लेकर 2014 तक. पहले तो मुझे बताओ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना. नंबर ऑफ डिबेंचर आर इज 2 लाख एंड डिस्काउंट इज 0.60 पर डिबेंचर. तो कितना हो गया ये 1,20,000. 1,20,000 का डिस्काउंट है. अब इस 1,20,000 को राइट ऑफ करोगे आप, तो देखो ईयर 2010 2011 2012 2013 एंड 2014 ठीक. आउटस्टैंडिंग अमाउंट, भैया पहले साल कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, पहले साल तो पूरा ही है, यानी कि 2 लाख इंटू 10 20 लाख. दूसरे साल कह रहा है 1/5 राइट ऑफ हो गया, 1/5 2 लाख में से 1/5 राइट ऑफ हो गया, यानी कि 40,000 टू 10 तो कितने बचे 160. फिर 1/5 हो गया, फिर 120 बचे, फिर 1/5 हो गया, फिर 80 बचे, फिर 1/5 हो गया, 40 बचे, उसके बाद खत्म हो जाएंगे ठीक. इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 ये हो गया 16 लाख, 12 लाख, 8 लाख, 4 लाख. अगर आप रेशो निकालो तो कैसे निकलेगी रेशो, रेशो कैसे निकलेगी, रेशो निकाल लो इसको रिड्यूस करके. ये किस पे कटेगा, किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा. तो कह सकते हो आप 10 8 6 4 2 और कट जाएगा, ये और रिड्यूस हो जाएगा. फोर, एक मिनट रुकना.
हाँ जी, वो एक्चुअली कॉल आ गया था अर्जेंट। देखो जी, तो रेशो क्या बनेगी यहाँ पर, रेशो अगर आप 5 के हिसाब से करो, 4 के हिसाब से चला जाएगा ना, तो 5 4 3 2 1, ये हो गया आपका टोटल 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ, अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ, सर 5-5 नंबर के सवाल हैं ये। अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ 1,20,000 इंटू 5/15, ये हो जाएगा 1,20 इंटू 4/15, ये हो जाएगा 1,20 इंटू 3/15, ये हो जाएगा 2/15 और ये हो जाएगा 1/15, तो कितना आएगा 2 5/15, 40 इधर, 32,000, 24,000, 8 2 16,000, 8,000, टोटल 21, ठीक। तो ये हो गया आपका डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ, क्लियर क्लियर है जी। चलो, तो ये हो गया हमारा डिस्काउंट का भी टॉपिक। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, देखो जी डिबेंचर्स क्या थे सर, डिबेंचर इज अ फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी। डिबेंचर इज अ फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी, यानी कि कंपनी की लाइबिलिटी है फिक्स्ड, फिक्स नेचर की लाइबिलिटी है। क्यों? बिकॉज डिबेंचर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, फिक्स्ड होता है। कंपनी क्या करती है, डिबेंचर होल्डर्स को जो इंटरेस्ट की पेमेंट करती है वो अपने हिसाब से करती है, मतलब टाइम पीरियड डिसाइड कर लेती है, रेट फिक्स्ड होता है। इट कैन बी मैनुअली, ओ मैनुअली कह रहा हूं, इट कैन बी एनुअली, इट कैन बी हाफ ईयरली और इट कैन बी क्वार्टरली, वो कंपनी डिसाइड करती है, ठीक है। कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले सर इंटरेस्ट को ड्यू करेगी, फिर इंटरेस्ट पे कर देगी। मुझे बताओ एंट्री क्या बनेगी, जब इंटरेस्ट ड्यू होगा, फॉर इंटरेस्ट ड्यू फॉर पेमेंट, एंट्री डालेगी सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, और ध्यान से टू टीडीएस पेबल, टीडीएस पेबल सर, टीडीएस क्या होता है, टीडीएस इज नोन एज टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ये एक प्रोविजन होता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ोगे आप आगे जाकर, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक प्रोविजन होता है सेक्शन नंबर 192 से लेकर 200 तक सेक्शन चलते हैं, किसके सर टीडीएस के, 192 से लेकर 200 तक के सेक्शन होते हैं टीडीएस के। टीडीएस में लिखा क्या होता है सर, टीडीएस का मतलब होता है कि जो भी पेयर होता है, जो भी पेयर होता है वो अमाउंट की पेमेंट करते समय, पेयर जो होगा वो अमाउंट की पेमेंट करते समय कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स को डिडक्ट कर लेगा। सर यहां पर पेयर कौन है, इंटरेस्ट के केस में पेयर कौन है, पेयर मतलब जो पे कर रहा है, पेयर कौन है, कंपनी। तो कंपनी जब इंटरेस्ट की एंट्री डालेगी तो कंपनी एंट्री डालेगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर एंड टू टीडीएस। सर एक सिंपल से चीज से समझो, मान लो सर मैं एक प्रोफेशनल हूं, आई एम ए प्रोफेशनल, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं प्रोफेशनल हूं, मुझे कहीं से प्रोफेशनल फीस आती है, मैंने किसी का ऑडिट किया और मुझे उससे 1,00,000 रुपए की ऑडिट फीस आनी है। उस बंदे ने क्या करा, उस बंदे ने सर सेक्शन 194J पढ़ोगे एक आगे जाके, एक होता है 194J, सेक्शन 194J लगाकर मेरा 10% टीडीएस काट लिया। इसका मतलब जब वो मुझे 1,00,000 की पेमेंट करेगा तो वो मेरे बैंक अकाउंट में कितने डालेगा, मेरे बैंक अकाउंट में 90,000 पहुंचेंगे और 10,000 रुपए उसने मेरे नाम पे टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा करा दिया। 10,000 रुपए मेरे नाम पे टैक्स काट कर गवर्नमेंट को जमा करा दिया। अब मुझे बताओ क्या मुझे 10,000 का नुकसान हुआ या नहीं हुआ, क्या मुझे 10,000 का नुकसान हुआ या नहीं हुआ, आंसर हो गया, आंसर इज हो गया, लेकिन आई कैन क्लेम दिस 10,000 फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाय फाइलिंग माई रिटर्न ऑफ इनकम। मैं ये 10,000 रुपए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से क्लेम कर सकता हूं अगर मैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दूं और उसमें सारी डिटेल्स अपनी शो कर दूं कि मेरी इतनी इतनी इनकम है, तो मुझे 10,000 रुपए का क्या मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
पॉइंट समझ में आता है, पॉइंट समझ में आता है, दिस इज नोन एज जो मुझे मिला टैक्स क्रेडिट। ठीक, मतलब मेरे भ्याप पे सामने वाले ने क्या करा था, 10,000 का टैक्स जमा करा दिया था, मतलब वो मेरा टैक्स था, वो मेरा टैक्स था जो उसने जमा करा दिया। आई कैन क्लेम फ्रॉम डिपार्टमेंट बाय फाइलिंग माय रिटर्न ऑफ इनकम। सर टीडीएस का प्रोविजन क्यों है? टीडीएस का प्रोविजन इसलिए है सो दैट हर एक बंदा अपनी रिटर्न ऑफ इनकम भरे, हर एक बंदा अपनी आईटीआर फाइल करे। ठीक, अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कंपनी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को डेबिट कर रही है टू डिबेंचर होल्डर्स एंड टू टीडीएस पेबल। यानी कि इंटरेस्ट अगर मान लो 1,00,000 का इंटरेस्ट बनता है, डिबेंचर होल्डर को 90,000 पे होंगे और 10,000 का क्या होगा, टीडीएस कट जाएगा। अब क्या करेंगे सर, डिबेंचर होल्डर्स अपनी रिटर्न भर के 10,000 रुपए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से क्लेम कर लेंगे फॉर पेमेंट। और जब पेमेंट होगी, जब पेमेंट होगी, पेमेंट की एंट्री क्या डलेगी कि सर डिबेंचर होल्डर्स को 90,000 पे हो जाएंगे, डिबेंचर होल्डर्स डेबिट, और जो टीडीएस था वो गवर्नमेंट को जमा हो जाएगा, टीडीएस पेबल डेबिट टू बैंक। इसका मतलब सर टीडीएस अगर कंपनी ने काट लिया तो कंपनी काट के अपने पास नहीं रखेगी, गवर्नमेंट को जमा कराना है। अगर मेरा सामने वाले ने 1,00,000 में से, मेरी ऑडिट फी में से 1,00,000 में से 10,000 रुपए टीडीएस काट लिया था मेरा, तो वो कंपनी अपने पास नहीं रख सकती, गवर्नमेंट को जमा कराना है। और जब वो गवर्नमेंट को जमा कराएगी देन ओनली आई कैन क्लेम टीडीएस फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक, और उसके बाद ये इंटरेस्ट राइट ऑफ हो जाएगा फॉर राइटिंग ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट राइट ऑफ करो कंपनी के लिए खर्चा है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। ठीक, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। आया समझ में? तो आपको विद टीडीएस करना है सर, टीडीएस का जो रेट वगैरह होगा वो क्वेश्चन में गिवन होगा, सब चीज क्वेश्चन में गिवन होगी। आओ जी क्वेश्चन देखते हैं। थर्टींथ, वो कहता है कंपनी इशूड 12% डिबेंचर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹10,00,000 एट 10% डिस्काउंट ऑन 1 जनवरी 2017। डिबेंचर इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स एट द रेट ऑफ 10%, ये दे रखा सर टीडीएस, डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स, इसको ही बोलते हैं सर क्या टीडीएस, कि टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स 10%, वॉज पेबल ऑन 30th June एंड 31st December एवरी ईयर। वो कह रहे 10% टीडीएस काट के कंपनी हर 30 June और 31 December को इंटरेस्ट की पेमेंट करती है, यानी कि कंपनी इंटरेस्ट की पेमेंट हाफ ईयरली कर रही है। ऑल द डिबेंचर्स वर टू बी रिडीम्ड एट द एक्सपायरी ऑफ 5 years एट 5% प्रीमियम पास द जर्नल एंट्री फॉर द अकाउंटिंग ईयर 2017। पहले डिबेंचर इशू करे और फिर इंटरेस्ट वगैरह की कहानी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13th 1117 को बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 10,00,000 रुपीज, 10,00,000 का 10% डिस्काउंट है तो मैं 90% लिख सकता हूं, अरे हाँ या ना, मैं 90% लिख सकता हूँ, या आप ऐसे कर देना फिर, अगर इसको नंबर ऑफ डिबेंचर में कन्वर्ट करना है कि 10,00,000 डिवाइडेड बाय मान लो 100 रुपए का डिबेंचर है तो 10,00,000 डिवाइडेड बाय 100 तो 10,000 डिबेंचर हो गए, ऐसे करके 10,000 × 90 करके भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने सिंपल लिख दिया ये कितना हो गया 9,00,000। वन वन सेवनटीन के बाद अब कंपनी डिबेंचर अलॉट करेगी, सेम डेट पे कर लो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट 9,00,000, ये हो जाएगा 1,00,000 का डिस्काउंट। प्रीमियम कितना कह रहा है वो 5%,
लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, पचास हजार, टू 12% डिबेंचर्स 10 lakhs, एंड टू 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, कितना 50,000। ठीक जी, क्लियर है ये वाली एंट्री? क्लियर है? ओके। अब वो कह रहा है कि हर 30 जून और 31 दिसंबर को पेमेंट हो रही है, तो 30 जून को पेमेंट हो गई, पहले इंटरेस्ट ड्यू करो, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट। कितना इंटरेस्ट बनता है? इंटरेस्ट बनता है 10 लाख का कितना परसेंट? 12%, 6 महीने के लिए, हर 6-6 महीने का इंटरेस्ट है, तो 10 लाख का 12% 6 महीने के लिए 60,000, टू डिबेंचर होल्डर्स। क्या कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को पूरी पेमेंट कर देगी? नहीं सर, 10% का टीडीएस काटेगी, तो डिबेंचर होल्डर में लिखोगे 54,000 एंड टू टीडीएस पेबल, टीडीएस पेबल 6,000 का टीडीएस काट लिया, 6,000 का टैक्स डिडक्ट कर लिया टीडीएस। अब इसकी पेमेंट की एंट्री डालो 30/6/17 को, दैट इज डिबेंचर होल्डर्स टू डिबेंचर होल्डर्स डेबिट टीडीएस पेबल डेबिट टू बैंक, डिबेंचर होल्डर डेबिट टीडीएस पेबल डेबिट टू बैंक। डिबेंचर होल्डर में लिखोगे आप कितना 54,000, 6,000 और 60,000। उसके बाद 31/12/17 को अगले 6 महीने का इंटरेस्ट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स एंड टू टीडीएस पेबल, टू टीडीएस पेबल। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज 10 लाख का 12% अगेन 6 महीने का 60,000, 54,000, 6,000 पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो, दैट इज डिबेंचर होल्डर्स डेबिट टीडीएस पेबल डेबिट कितना 54,000 टू बैंक 60। ओके, ये सारी एंट्री होगी। अब जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर था उसको राइट ऑफ कर दो, दैट इज पीएनएल अकाउंट डेबिट। भाई राइट ऑफ तो पीएनएल में तो आप साल के आखिर में ट्रांसफर करोगे, पीएनएल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। टोटल इंटरेस्ट कितना था 12,000, तो 12,000 उसमें से ट्रांसफर कर दिया पीएनएल में। ठीक, अब भूल मत जाना, भूल मत जाना सर, एक एंट्री जरूर कर देना, भूलना नहीं है क्या? ऊपर वाली एंट्री में देखो, ये जो डिस्काउंट और लॉस था टोटल देख लो, टोटल कितना है 1,50,000 का, इसको राइट ऑफ करोगे? इसको राइट ऑफ करोगे या नहीं? यस सर, राइट ऑफ करूंगा। कैसे राइट ऑफ करोगे? 5 साल में राइट ऑफ करूंगा, और क्योंकि वो कह रहा है कि सारे के सारे डिबेंचर सीधा 5 साल बाद रिडीम होंगे, तो हर साल इक्वल इक्वल रिडेम्पशन होगी, क्योंकि सर हर साल आउटस्टैंडिंग अमाउंट बराबर रहेगा। तो मैं सीधा क्या करूंगा, इस 1,50,000 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि इस साल 30,000 का डिस्काउंट और लॉस को क्या करूंगा, राइट ऑफ कर दूंगा। तो एंट्री डालूंगा राइट ऑफ करने की, पीएनएल अकाउंट डेबिट, ये जरूर करना, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, मार्क्स कट जाएंगे नहीं तो एक आधा नंबर इस एंट्री का। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू
डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, अलग अलग बनाया तो अलग अलग लिख लेता हूं, आप इकट्ठे भी लिख सकते हो, लेकिन फिर आपको ऊपर वाली एंट्री में इकट्ठा लिखना पड़ेगा। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना था, 1,00,005 यानी कि 20,000 ये और 10,000 ये, 20, 10 टोटल 30। ठीक, क्लियर है जी? हाँ जी, एंट्रीज क्लियर। तो ये हमारा सर डिबेंचर्स का हो गया चैप्टर समाप्त। क्लियर, डिबेंचर का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। काफी हद तक क्वेश्चंस मैंने आपको करवा ही दिए हैं, अब बचे कुछ एक क्वेश्चंस हैं, या आप ट्राई कर लेना, बिल्कुल ऐसे सही क्वेश्चंस हैं, कोई भी इसमें नई चीज नहीं है। हाँ जी, तो ये क्वेश्चंस आप जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं इनको ट्राई करना। ठीक, अब एक छोटी सी चीज मेरे को आपको करानी है, जो बाय चांस अगर मान लो सर एग्जाम में पूछ ली जाए तो आप अटेम्प्ट कर पाओ, शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट। ये मैं आपको एक बार बनवा के दिखा देता हूं, कॉपी कर लेना, बस एक बार नजर मार लेना, बस आपको ये पता होना चाहिए सर कौन से हेड में क्या क्या आइटम आती है। बाय चांस अगर 2-3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि वो ये आइटम कौन से हेड में जाएगी, ये आइटम कौन से हेड में जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए। हालांकि आपने 12th क्लास में इसको कर भी रखा है, बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ रखा होगा, फिर भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं कह सकता, लेकिन अगर रिस्क लेने का कोई फायदा नहीं है, कर लेंगे इसे भी। ठीक, बनाओ जी शेड्यूल 3 में सर बैलेंस शीट में। शेड्यूल 3 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है पार्ट वन, हेडिंग डाल देना ऊपर कि मैं क्या करा रहा हूं, अब आपको शेड्यूल 3 करा रहा हूं, शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। शेड्यूल 3 में आपके पास दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट वन इज योर बैलेंस शीट, एंड पार्ट टू इज योर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपने बचपन में जब, अभी हमने फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर भी किए थे, तो फाइनल अकाउंट्स में आपने क्या करा था, ट्रेडिंग पीएनएल पहले बनाया था फिर बैलेंस शीट बनाई थी, लेकिन कंपनी एक्ट के शेड्यूल 3 के हिसाब से सर बैलेंस शीट पहले दिखाई जाती है फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल आता है। हालांकि कैलकुलेशन वैसे ही होती है कि पीएनएल की कैलकुलेशन पहले होती है फिर बैलेंस शीट आएगी, क्योंकि पीएनएल से ही प्रॉफिट उठ के बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन सर कंपनी एक्ट में पहले बैलेंस शीट दिखाई जाती है फिर पीएनएल दिखाया जाता है। ठीक, तो अगर मैं बात करूं बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी, लिखो जी बैलेंस शीट ऑफ जो भी कंपनी है एज ऑन जो भी डेट है, ऊपर लिख दो कि आप रुपीज, अगर इन लैक्स लिख रहे हो तो लैक्स हो जाएगा, इन करोड़ लिख रहे हो करोड़ हो जाएगा, इन थाउजेंड्स लिख रहे हो इन थाउजेंड्स हो जाएगा, खाली रुपीज है तो खाली रुपीज लिख देना। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, फिगर्स ऑफ करंट ईयर, फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर, कंपैरेटिव फॉर्म में बतानी पड़ती है सर, कंपैरेटिव फॉर्म में जाएगी। सबसे पहला आता है इसमें इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये आपकी मेजर हेडिंग है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसमें पहली आइटम आती है आपके पास शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स, इसमें पहली आइटम जाती है आपके पास शेयर कैपिटल, जो हमने सर शेयर कैपिटल के चैप्टर में अच्छे से बनाना सीख लिया, शेयर कैपिटल। फिर आपका आता है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है, इसमें सारे के सारे आपके रिजर्व्स आ जाएंगे,
सारे के सारे आपके रिजर्व्स आ जाएंगे, जैसे कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व और सर सरप्लस। सरप्लस मतलब बैलेंस ऑफ द पीएनएल अकाउंट। ठीक। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस में एक चीज ध्यान रखना है कि सर अगर रिजर्व एंड सरप्लस नेगेटिव आ रहे हैं तो आपको बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस को रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में ही दिखाना है नेगेटिव अमाउंट के साथ। और अगर कोई पर्टिकुलर रिजर्व नेगेटिव आ गया तो सर रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में वो नेगेटिव अमाउंट से ही शो होता है। ठीक, ये ध्यान रखना। सर अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं तो भी वो रिजर्व एंड सरप्लस में जाएंगे, एसेट्स वगैरह में नहीं जाता। कहने का मतलब अगर कोई भी आइटम रिजर्व की नेगेटिव है वो एसेट में नहीं जाती, रिजर्व एंड सरप्लस में नेगेटिव अमाउंट से शो करनी है, ब्रैकेट्स में शो करनी है। ठीक। उसके बाद आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरंट्स। शेयर वॉरंट्स, ठीक, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरंट्स का मतलब क्या हुआ सर? अच्छा, नोट नंबर मत लिखो, ये तो जब होंगे तब देख लेंगे ना। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरंट का मतलब क्या हुआ सर? जनरली शेयर्स को, शेयर्स के केस में कंपनी शेयर सर्टिफिकेट देती है, लेकिन कई बार शेयर सर्टिफिकेट की जगह पर कंपनी क्या दे देती है सर? शेयर वॉरंट भी दे देती है। तो उस केस में आप क्या लिखोगे यहां पर? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरंट, ये पहली आइटम होगी। दूसरी आइटम इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। सर नाम से ही पता लग रहा है, शेयर कैपिटल में देखा था हमने कि सर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट मतलब शेयर एप्लीकेशन मनी कंपनी ने कलेक्ट कर लिए लेकिन अभी उसके बदले में शेयर इशू नहीं करे। जैसे पहली एंट्री बनती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, मान लो ये साल के आखिर में कंपनी ने एंट्री डाल दी, साल के आखिर में कंपनी ने बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन डाल दी, अभी शेयर अलॉट नहीं करे तो साल के आखिर में आप ये शेयर एप्लीकेशन मनी को एज अ मेजर लाइबिलिटी दिखाओगे, दैट इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। सर इसे कैपिटल में नहीं दिखा सकते? नहीं सर, कैपिटल बनी ही नहीं तो कैपिटल में क्यों दिखाओगे? ये तो अभी कंपनी की लाइबिलिटी है, कंपनी ने लोगों का पैसा ले लिया, अभी लोगों को बदले में शेयर नहीं दिए, तो दिस इज अ मेजर लाइबिलिटी, इसलिए फ्रंट ऑफ द बैलेंस शीट में दिखाई जाती है। ठीक। उसके बाद थर्ड आइटम आती है आपके पास नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी ये वो लाइबिलिटी होती है विच विल बी पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, जो 12 महीने के बाद या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के बाद पे करी जाएंगी। इसमें आपके पास क्या क्या आता है सर? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आ जाएंगी, कोई लोन वगैरह लिए हैं लॉन्ग टर्म नेचर के, या आपने डिबेंचर इशू करे हैं, कंपनी ने डिबेंचर इशू करे हैं, वो भी इसमें आ जाएंगे। उसके बाद कोई डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 होता है, जहां पर एक प्रोविजन बनाया जाता है फॉर टैक्स का, बहुत डिटेल में नहीं जाओ, AS 22 के हिसाब से कंपनी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और एसेट निकालती है जब टाइमिंग डिफरेंस होता है बिटवीन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम। तो देख लेंगे सर, AS 22 जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। उसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, कोई और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है जो ना तो बोरिंग में आ रही ना डेफर्ड टैक्स में आ रही। और लास्ट इज योर लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन मतलब ये वो प्रोविजंस होते हैं जो कंपनी ने लंबे समय के लिए बनाए हैं, इसमें जनरली इंप्लॉयज के प्रोविजन कवर होते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, जैसे प्रोविडेंट फंड, जैसे प्रोविजन फॉर लीव इनकैशमेंट, मतलब जो भी कंपनी ने इंप्लॉय का पैसा इकट्ठा करना शुरू किया है, विच विल बी पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स, दैट इज नोन एज लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सर छोटे छोटे प्रोविजन होते हैं जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स जो विद इन अ ईयर पे हो जाएगा, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स जो भी विद इन अ ईयर पे हो जाएंगे, वो सब शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएंगे। आगे देखते हैं, नॉन करंट में आ गए हमारे पास, फिर आता है हमारे पास करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी में आपके पास क्या क्या आ सकता है? इसमें आपके पास शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आ सकती है, भाई कोई लोन वगैरह या कोई बोरिंग्स वगैरह लिए आपने, शॉर्ट टर्म नेचर की है, विद इन अ ईयर पे हो जाएंगी तो वो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है। कोई ट्रेड पेबल्स हैं तो ट्रेड पेबल्स आ जाएंगे आपके पास। ट्रेड पेबल्स में क्या आता है? ट्रेड पेबल्स इंक्लूड सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, वो आ जाएंगे यहां पर। अदर करंट लाइबिलिटी, कोई अदर करंट लाइबिलिटी है वो आ जाएगी आपकी। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जनरली प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह आता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन।
ठीक। तो ये हो गया आपकी लाइबिलिटी साइड। प्लीज इसे नोट डाउन करते रहना साथ साथ। फॉर्मेट जो याद होता है वो लिखने से याद होता है, ऐसे पढ़ने से याद नहीं होता, लिखने से याद होता है। जितना बना बना के देखोगे उतना आपको याद रहेगा ये। ठीक, तो ये होगी आपकी लाइबिलिटी साइड टोटल। उसके बाद एसेट्स, सेकंड एसेट्स। एसेट्स में पहली आइटम आएगी आपके पास नॉन करंट एसेट्स विच आर रिलायजेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और आफ्टर विद इन ऑपरेटिंग साइकिल। नॉन करंट एसेट में सबसे पहला आता है आपके पास प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये पॉइंट सर, ये चेंज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि लैंड एंड बिल्डिंग कहां आएगी, तो आप ये नहीं लिखोगे सर फिक्स असेट्स में आएगी। फिक्स असेट्स गलत है। शेड्यूल 3 के हिसाब से द टर्म इज प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसके अंदर सर टेंजिबल आइटम, जितने भी आपके टेंजिबल नेचर के एसेट्स हैं, जितने भी आपके इंटेंजिबल एसेट्स हैं जैसे गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क वगैरह, जितने भी आपके कैपिटल वन वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब आप कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करा रहे हो, आप कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करा रहे हो या मशीनरी कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो और वो भी बनी नहीं है, वो तैयार नहीं हुई है, तो दैट इज नोन एज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ऐसी सर इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, इसका मतलब आप कोई पेटेंट बनवा रहे हो, आप कोई लाइसेंस बनवा रहे हो, आप कोई फॉर्मूला डिजाइन कर रहे हो जो अभी इन प्रोसेस है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, इनटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। जैसे ये तैयार हो जाएंगे, जैसे ही कैपिटल WIP कंप्लीट हो जाएगी, बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो वो कैपिटल WIP से हटकर किसमें चली जाएगी, टेंजिबल असेट में। और जैसे भी आपका फॉर्मूला वगैरह तैयार हो जाएगा तो वो इनटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट से हटके किसमें चला जाएगा, इनटेंजिबल एसेट्स में। ठीक, तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगली आइटम नॉन करंट में आएगी आपकी, नॉन करंट एसेट्स में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। इसमें वो इन्वेस्टमेंट्स आएंगी जो आपने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करा है, जैसे आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, डिबेंचर्स खरीदे लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, दैट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। कोई डेफर टैक्स एसेट है, अगेन सर ये AS 22 वाला पार्ट है। कोई लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस है, मतलब अब अगर कंपनी ने लोन दिया है किसी को तो वो किसमें आएगा, लोन्स एंड एडवांस में, और अगर लॉन्ग टर्म नेचर का है तो वो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस में। और उसके बाद अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स, ओ सॉरी। ठीक, तो ये हो गया हमारा हेड नॉन करंट एसेट्स का। नॉन करंट एसेट्स के बाद आ जाओ किसमें जी, सेकंड करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स में, करंट एसेट्स में आपके पास क्या क्या आता है, इसमें आपके पास करंट इन्वेस्टमेंट्स आ सकती हैं जो विद इन शॉर्ट टर्म रियलाइज हो जाएंगी। इसमें आपके पास आपकी इन्वेंट्रीज आ सकती हैं, इन्वेंट्रीज ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, इन्वेंट्रीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इन्वेंट्री ऑफ WIP, वो सारी इन्वेंट्री आ जाएंगी इसके अंदर। इसमें आपके ट्रेड रिसीवेबल्स आ सकते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स में मतलब डेटर्स हो गया, BR हो गया। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ सकता है आपका, जिसमें आपका कैश इन हैंड हो गया,
बैंक बैलेंस हो गया, ड्राफ्ट्स हो गए, चेक्स इन हैंड हो गए, वो सब आ जाएंगे इसके अंदर। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, भाई अगर आपने लोन दिया है, कंपनी ने लोन दिया है फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। और लास्ट इज योर अदर करंट एसेट्स। तो एक बार ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, इसको भी गो थ्रू करना है। ठीक, देखो जी फुल स्क्रीन कर देता हूं, एक बार इसे देख लो फॉर्मेट को। हाँ जी क्लियर। चलो तो ये हो गया आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट। उसके बाद पार्ट टू, पार्ट टू आता है आपका किसका, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो लिखो स्टेटमेंट। अब यहां पर पीएनएल अकाउंट वर्ड नहीं यूज ही होता, क्या होता है यूज, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ जो भी है फॉर द पीरियड एंडेड, पीरियड लिख लो या अगर साल की बना रहे हो तो साल लिख लो, रुपीज इन जो भी लिखना है। ठीक, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, फिगर्स ऑफ करंट ईयर, फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर। बनाए जी? हाँ जी। तो सबसे पहले लिखो इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सबसे पहली आइटम क्या आती है इसके अंदर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब जिस चीज का आपका बिजनेस है, जिस चीज का आपका बिजनेस है, जिस चीज का कंपनी का बिजनेस है, उससे जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता है कंपनी को, दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग रेवेन्यू या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें अगर आप ऐड कर दोगे अदर इनकम, अदर इनकम मतलब इसके अलावा कोई इनकम आती है, जैसे कहीं से इंटरेस्ट आता है, कहीं से डिविडेंड मिलता है, कहीं से रेंट आता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये सब क्या हो जाएगा हमारी अदर इनकम। तो ये दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे, इन दोनों को टोटल करके आप बोलोगे टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। ठीक, ये कैसे निकला, ये निकला टू, सॉरी वन प्लस टू, प्लस टू। ठीक, उसके बाद फोर्थ,
एक्सपेंसेस। एक्सपेंस में क्या आया आपके पास? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कि सर आपने कितना मटेरियल कंज्यूम किया है, वो कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलेगा? ये सिर्फ रॉ मटेरियल का निकल रहा है, दैट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो क्या निकल के आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अगर आपका कोई स्टॉक इन ट्रेड था जो आपने परचेज किया है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये वो हो गया। चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री सर ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो चेंज है आपका इन्वेंट्री का वो दिखाओगे। उसके बाद इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस कि सर इंप्लॉई से रिलेटेड कोई खर्चा, जैसे इंप्लॉई की सैलरी, वेजेस, कंट्रीब्यूशन टू बोनस, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ये सब खर्चा हो गया। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट मतलब फंड्स के ऊपर लगने वाली कॉस्ट, जैसे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये सब आ जाएगा इधर फाइनेंस कॉस्ट में। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, फिक्स एसेट्स पे, आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे, टेंजिबल आइटम्स पे लगने वाला डेप्रिसिएशन, इनटेंजिबल पे जो लगता है वो होता है अमोर्टाइजेशन। और उसके बाद अदर एक्सपेंस, मतलब यही हेड है सर, इन हेड के अलावा कहीं और खर्चा नहीं डाल सकते। मतलब कोई भी खर्चा अगर आपके कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम से लेकर डेप्रिसिएशन में नहीं आ रहा, अदर एक्सपेंस में डाल दो उसे। और दिस इज व्हाट, ये क्या निकल के आएगा आपका? टोटल एक्सपेंस। ये आपका निकल के आएगा टोटल एक्सपेंस। अब मुझे अगर निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगर मैं आपसे पूछूं प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होगा, तो बड़ी आराम से बता सकते हो सर कि रेवेन्यू, जो कि थर्ड आइटम थी, अगर मैं रेवेन्यू में से टोटल खर्चों को माइनस कर दूं तो क्या निकल के आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आएगा। भाई ऑब्वियसली प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट होगा अगर आपका रेवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंस कम है। सर अगर उल्टा से उल्टा केस है, एक्सपेंस ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो क्या होगा? लॉस निकल के आएगा। इसे लॉस बोलेंगे, फिर नेगेटिव फिगर के साथ दिखाओगे। लेस टैक्स, टैक्स अगर कुछ लगा तो टैक्स लगा दिया आपने, टैक्स लगता है प्रॉफिट पे। अगर लॉस होगा तो टैक्स नहीं लगता, अगर लॉस होगा तो सिर्फ लॉस दिखा के आपका काम खत्म, फिर टैक्स का कोई चक्कर नहीं है। फिर योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे लिखोगे? दैट इज फिफ्थ माइनस सिक्स, कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस प्रॉफिट माइनस टैक्स, तो ये क्या निकल के आएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक, तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। ठीक, तो एक बार ये फॉर्मेट गो थ्रू करने थे आपको। देखो जी, ठीक है जी, तो ये आपका फॉर्मेट क्लियर है? हाँ जी, चलो जी, तो फिर हमारी हो गई है आज वाली क्लास खत्म। एंड हमने डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स का टॉपिक कंप्लीट कर लिया, और जो मेरे को फॉर्मेट आपको बताना था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, चलो फिर, चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।